Hey guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So this is going to be a very special video क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग रोड मैप लेके आया हूँ. ठीक है, सो अगर आप कोई एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट हो जो मशीन लर्निंग सीखना चाहता है और आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है, तो फिर आई गारंटी यू कि अगर आप ये वीडियो एंड टू एंड देखते हो और इसमें प्रोवाइडेड रिसोर्सेज को पूरा का पूरा यूटिलाइज करते हो, तो 6 मंथ के अंदर आप जॉब रेडी हो जाओगे. दैट इज माई गारंटी. ठीक है, सो आई होप थोड़ा एक्साइटमेंट आ चुका होगा ऑलरेडी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आई गेस आपको दिख ही गया होगा कि वीडियो बहुत बड़ा है. तो पहले एक बार प्लान ऑफ अटैक डिस्कस करते हैं कि ये वीडियो मैंने किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है. उससे क्या होगा कि आपको भी बोरिंग नहीं लगेगा और मैं भी अपना पॉइंट कन्वे कर पाऊंगा. ठीक है, सो द प्लान ऑफ अटैक इज लाइक दिस कि सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ी बातचीत करूंगा कि मैंने ये रोड मैप क्यों बनाया, कौन लोग इसके टारगेट ऑडियंस हैं, ये पूरा रोड मैप किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा रोड मैप को डिस्कस करना. ठीक है, और लास्ट में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप डेटा साइंस सीखने वाले हो. तो कहने की जरूरत तो है ही नहीं कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन है ऑडियंस इस रोड मैप का? सो इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर आप जॉब कर रहे हो और आप स्विच करना चाहते हो मशीन लर्निंग के डोमेन में, और आप एकदम बिगनर हो, आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है अपना जर्नी, आपको शायद ABCD भी नहीं पता मशीन लर्निंग का, तो फिर आप एकदम आइडियल कैंडिडेट हो इस मशीन लर्निंग रोड मैप के लिए. ये बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है. अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो ऑलरेडी थोड़ा पढ़ चुका है मशीन लर्निंग, इंटरमीडिएट लेवल पे आपने कुछ कोर्स वगैरह रन किए हैं, कुछ मॉडल्स बनाए हैं, तो भी ये रोड मैप आपको बहुत हेल्प करने वाला है. ठीक है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर रह चुके हो, मतलब अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आप मेरा चैनल कई दिनों से फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए ये रोड मैप इस चैनल का एक इंडेक्स की तरह काम करेगा. मतलब मेरा चैनल पे देर आर लाइक मोर देन 750 वीडियोस पूरे के पूरे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के ऊपर. सो बहुत सारा कंटेंट है, इट्स जस्ट कि थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है. तो बहुत लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि ये वीडियो कहाँ है, ये वीडियो कहाँ है. तो ये एक सिंगल रोड मैप आपके लिए मेरे चैनल का एंट्री पॉइंट बन जाएगा. आई सेट एंट्री पॉइंट, ठीक से बोल नहीं पाया मैं, एंट्री पॉइंट बन जाएगा. मतलब ये अगर आप रोड मैप देखोगे, आपको हर पॉइंट पे समझ में आएगा कि कौन सा वीडियो कहाँ पर है. ठीक है, तो एक बार मैं समराइज करता हूँ कौन इसका ऑडियंस है. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो और आप मशीन लर्निंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस रोड मैप इज फॉर यू फॉर श्योर. और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर हो तो आपके लिए दिस विल एक्ट एज अ एंट्री पॉइंट. ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज प्लान्ड. ठीक है, नाउ ये रोड मैप मैं क्यों बना रहा हूँ उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वो भी ज़रूरी है. सो मैं कोविड के पहले क्लासेस लिया करता था ऑनलाइन, और वो बंद हो गया कोविड की वजह से. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सेकेंड वेव के बाद क्लासेस लूँगा, बट उसके बाद सडनली से कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए मुझे और मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ इस पॉइंट पे भी. तो बीच में बहुत लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन लोगों ने बोला कि हमें मशीन लर्निंग पढ़ना है, आप बताओ हम कैसे पढ़े, और मुझे हर किसी को मना करना पड़ा. एंड आई फेल्ट रियली बैड कि मुझे मना करना पड़ रहा है. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार एक काम करते हैं, जिस तरह की चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ क्लासरूम में, ऑलरेडी मैंने वीडियोज डाल रखे अपने चैनल पे, व्हाट इफ मैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज कर दूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ. तो दैट इज़ द होल आइडिया कि मैं आपकी क्लास तो नहीं ले पा रहा, बट मैं आपको एक ऐसा रोड मैप क्रिएट करके दे सकता हूँ जो आपको बिल्कुल उसी तरीके से गाइड करेगा जैसे मैं आपको गाइड करता एक क्लासरूम सिनेरियो में. ठीक है, सो दैट इज़ द होल आइडिया. इनफैक्ट यू वुड नॉट बिलीव कि मैं पिछले 3 हफ्तों से डेली 4-4 घंटे इस रोड मैप के ऊपर काम कर रहा हूँ, रिसोर्सेज जुगाड़ कर रहा हूँ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ, सो दैट एक बहुत परफेक्ट रोड मैप आपके लिए बन पाए, जिसको अगर आप 6 मंथ्स फॉलो करो तो फिर आप एक बढ़िया लेवल के डेटा साइंटिस्ट बन पाओ. तो दैट वॉज द थॉट प्रोसेस कि एक ऐसा रिसोर्स बनाना है जिसको अगर आपने यूज करना स्टार्ट किया तो आपको ऐसा लगे जैसे मैं सच में आपके साथ बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं. सो दैट वॉज द थॉट प्रोसेस. आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि ये रोड मैप किस तरह के लर्निंग प्रिंसिपल्स फॉलो करता है.
अब आप पूछोगे लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि किस तरह का स्टाइल है इस रोड मैप का, वो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज आई फील कि अगर ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, तो फिर हम दोनों लोग सेम पेज पर आ जाएंगे और इमोशंस शेयर होने लग जाएगा और फिर आप इस रोड मैप को और बेटर समझ पाओगे। दैट इज वाई लेट्स शेयर द लर्निंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड दिस रोड मैप। सो गाइज, इस पूरे रोड मैप में आपको तीन लर्निंग स्टाइल्स दिखाई देंगे। सबसे पहला लर्निंग स्टाइल ये है कि ये पूरा का पूरा रोड मैप इज कंप्लीटली लीनियर। मतलब ये है कि मैं किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं बोलने वाला कि आप एक साथ पैरेलली एक से ज्यादा चीजें सीखो। आपने शायद और रोड मैप्स देखे होंगे जहां पर जो भी रोड मैप क्रिएटर होता है वो बोलता है कि यार आप पहले मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पढ़ लो, साथ ही साथ आप स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, आई फर्मली बिलीव कि आपको एक बार में एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। दैट इज वाई मैंने जो डिजाइन किया है ये पूरा का पूरा रोड मैप, इट इज एंटायरली लीनियर। मतलब हमेशा एक टॉपिक खत्म होने के बाद ही आप दूसरा टॉपिक स्टार्ट करोगे, कभी भी ये पैरेलल अप्रोच हम यूज नहीं करेंगे। अगेन, आप फ्री हो, आप चाहो तो कर सकते हो, बट मेरा रोड मैप उस तरीके से डिजाइन नहीं है। ठीक है, सेकेंड अप्रोच, आई विल स्पून फीड यू। स्पून फीड का मतलब हुआ कि मैं हर चीज आपको थाली में परोस के देने वाला हूं। ठीक है, आपने शायद और रोड मैप्स देखे होंगे जहां पे रोड मैप क्रिएटर आपको बोलता है कि ये एक कोर्स है, लेट्स से एंड्रयू एनजी का एक कोर्स है, आप ये पूरा कोर्स देख कर आओ। एक बार जब ये देख लिया तो फिर आप एक दूसरा कोर्स देख लो, फिर कोई और कोर्स देख लो। हमारे रोड मैप में ऐसा नहीं होगा। हमारे रोड मैप में मैं आपको एग्जैक्ट टॉपिक बाय टॉपिक चीजें बताऊंगा और उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिसोर्सेज शेयर करूंगा। तो इन अ वे मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको एकदम ही बच्चा समझ रहा हूँ, एकदम ही बिगिनर समझ रहा हूँ और आपका हाथ पकड़ के आपको पूरे टाइम नेविगेट करवाऊंगा इस पूरे सिलेबस में। ठीक है, आई होप इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, थर्ड जो चीज है वो है कि वी आर गोइंग टू फॉलो अ लर्निंग टेक्निक कॉल्ड स्पाइरल लर्निंग। अब ये टर्म मैंने खुद कॉइन किया है, सो आपको गूगल करने से कुछ नहीं मिलेगा। सो स्पाइरल लर्निंग का फंडा बहुत सिंपल है कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो आप एक ही बार में उस चीज में सब कुछ नहीं सीख सकते। लेट मी एक्सप्लेन। लेट से आप यहां पर हो, आप बिगिनर हो और आपको यहां पे पहुंचना है, एक्सपर्ट बनना है, तो जनरली आपको क्या करना होगा, यहां से यहां तक का रास्ता कवर करना पड़ेगा। बट हम क्या करेंगे कि हम ये रास्ता डायरेक्टली कवर नहीं करेंगे, हम बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमने ये टॉपिक पढ़ा, फिर हमने ये टॉपिक पढ़ा, फिर हम सडनली से ये टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर हम ये पढ़ लेंगे, फिर हम ये पढ़ लेंगे, फिर हम ये पढ़ लेंगे, फिर हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर सेकेंड राउंड में हम फिर से बीच का कोई टॉपिक पढ़ने लग जाएंगे, फिर हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया, फिर हम थर्ड राउंड में जाएंगे, फिर से बीच के टॉपिक्स पढ़ते चले जाएंगे। और इस तरीके से जब ये डॉट्स बहुत सारे हो जाएंगे तो ये कनेक्ट होकर के ये लाइन बन जाएंगे। द प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल यार। इमेजिन करो आप एक नई सिटी में गए हो और आपने डिसाइड किया कि मुझे आसपास का पूरा एरिया समझना है कि कौन सी चीज कहां पर है। अब सोचो आप पहले दिन बाहर निकलो, तो अगर आप पूरा रास्ता घूम भी लो तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सी चीज कहां पर थी, अनलेस आप उसी रास्ते पे 5 बार 10 बार 50 बार ना चलो। जब आप उसी रास्ते पे 10 बार 50 बार चलते हो ना, तो आपको बहुत बारीक सी चीजें समझ में आती हैं कि वहां पे क्या क्या है। यही सेम लर्निंग फंडा हम लोग यूज करेंगे कि हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी मल्टीपल टाइम्स जाएंगे और हर बार कुछ नई चीजें सीखते जाएंगे। एंड दैट इज वाई मैं इसको स्पाइरल लर्निंग बोलता हूँ, क्योंकि स्पाइरल क्या होता है, एक ही जगह पे इस तरीके से घूमता है। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्पाइरल लर्निंग। यही तीन मेन लर्निंग स्टाइल्स आपको मेरे रोड मैप में दिखाई देंगे। इट विल बी एंटायरली लीनियर। हर टॉपिक और उसका रिसोर्स मैं आपको बताऊंगा, आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करने जाओगे, और ये स्पाइरल लर्निंग टेक्निक हम फॉलो करेंगे जहां पर हम पूरा का पूरा चीज मल्टीपल टाइम्स आइटरेट करेंगे इस उम्मीद में कि हम और बेटर समझ पा रहे हैं। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट रेडी
और अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इस पूरे के पूरे रोड मैप को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है। एक बार अगर आप ओवरव्यू ले लो, स्ट्रक्चर समझ लो, तो फिर ये रोड मैप फॉलो कर पाना बहुत इजी हो जाएगा। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द रोड मैप। सो गाइज, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने अपने पूरे रोड मैप को 5 लेवल्स में डिवाइड किया है, ठीक है। सो फर्स्ट लेवल है टेस्टिंग द वाटर्स। सो द आइडिया ऑफ दिस लेवल इज कि अगर आप एकदम बिगनर हो, जिसको कुछ भी नहीं आता मशीन लर्निंग या फिर प्रोग्रामिंग में, तो विद इन 1 month मैंने इस तरीके से चीजें डाली हैं इस लेवल में कि आप 1 month में प्रोग्रामिंग के साथ साथ, हल्का फुल्का मैथमेटिक्स के साथ साथ, पहला मशीन लर्निंग मॉडल बनाना सीख जाओगे। दैट इज द होल आइडिया। इस लेवल में आप 1 go में पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लोगे कि एक मशीन लर्निंग इंजीनियर करता क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड लेवल, जहां पे इस लेवल का नाम है गेनिंग कंसेप्चुअल डेप्थ। जैसा नाम से भी समझ में आ रहा है, यहां पर आप एक्चुअल मशीन लर्निंग पढ़ोगे, ठीक है। सो मशीन लर्निंग के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप इसी लेवल पे पढ़ोगे। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आपको पढ़ने हैं, इसी लेवल पे आप पढ़ोगे। आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी इसी लेवल पे पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि टेंसर क्या होता है, या फिर मशीन लर्निंग मेट्रिक्स क्या होते हैं, बायस एंड वेरियंस क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस लेवल पे पढ़ना होगा, ठीक है। देन देर विल बी लेवल नंबर 3, जिसका नाम है लर्निंग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। सो अभी तक आपने थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का कंसेप्चुअल जो भी थ्योरी होता है वो पढ़ लिया है। अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकल बातें करना स्टार्ट करेंगे। वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे जो एक डेटा साइंटिस्ट को डे टू डे बेसिस पे कंपनी में फेस करना पड़ता है, और उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ हम इस लेवल पे सीखेंगे, ठीक है। वंस आप सारे के सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, फिर आप मूव करोगे लेवल नंबर 4 पे, विच इज डाइविंग इनटू डिफरेंट डोमेन्स। सो मशीन लर्निंग पढ़ने के बाद आपको और भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि एनएलपी, टाइम सीरीज, आपका एनोमली डिटेक्शन और रिकमेंडर सिस्टम्स। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आप वो सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। और लास्टली, सबसे लास्ट में जो लेवल है वो है पुशिंग इट विद प्रोजेक्ट्स। मतलब सब कुछ सीख लिया आपने, अब बस एक लास्ट चीज आपको करनी है कि जो भी आपकी लर्निंग है उसको शार्पन करना है बाय बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो ये 5 लेवल्स हैं, और यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि एक वो लर्निंग मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, स्पाइरल लर्निंग वाला, जहाँ पे हम बार बार सेम चीजें ट्राई आउट कर रहे हैं और हर अगली बार थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी लेके निकल रहे हैं उस प्रोसेस में से, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आया, एंड ऑल्सो आई गेस आपको दिख भी रहा है, मैंने इस पूरे रोड मैप के लिए एक गिटहब रेपोजिटरी क्रिएट कर रखा है। सो ये रेपोजिटरी आप फोक कर सकते हो, स्टार कर सकते हो। मैं एक एक करके सारी चीजें आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा वीडियो में आगे, बट या ये रेपोजिटरी आप किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो। सो स्ट्रक्चर देख लिया हमने, नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट द रोड मैप। बिफोर स्टार्टिंग कुछ रिक्वेस्ट है मेरे। पहला रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लो यार, अगर आप नए हो इस चैनल पे, आप फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट देख रहे हो, अगर पसंद आए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, इट मोटिवेट्स मी, ठीक है। सेकेंड, प्लीज मेक श्योर ये रोड मैप आप पूरा का पूरा देखो, इफ पॉसिबल आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको जरूरत है। एंड द थर्ड थिंग इज कि आई वॉन्ट टू से कि ट्रस्ट मी, इस रोड मैप और इस रोड मैप के साथ जो भी मैं रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उस चीज को लेकर के ट्रस्ट मी। इफ यू विल ट्रस्ट मी देन आप थोड़ा बेटर तरीके से चीजें सीख पाओगे, बिकॉज टीचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होने पे फिर लर्निंग उतनी बढ़िया नहीं हो पाती, ठीक है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज ट्रस्ट मी, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रोड मैप। सो चलो गाइस, काफी बातचीत हो गई, अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ लेवल नंबर 1, टेस्टिंग द वॉटर्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस लेवल का पर्पज है आपको एक ओवरव्यू देना कि एज अ डेटा साइंटिस्ट आप क्या काम करोगे। सो इवन इफ यू आर अ बिगनर, ये लेवल में आई विल मेक श्योर कि आप 1 से 1.5 महीने के अंदर प्रोग्रामिंग सीखते हुए, थोड़ा बहुत मैथ सीखते हुए, मशीन लर्निंग के बेसिक सीखो, और फिर एटलीस्ट एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाओ, उसको वेबसाइट में कन्वर्ट करके देखो। और वो जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जो हर डेटा साइंटिस्ट यूज करता है प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में,
एक बार उसको एक्सपीरियंस करो, दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस लेवल. सो लेट्स स्टार्ट लेवल नंबर वन. तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पूरे वीडियो को, इस पूरे रोड मैप को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. और अभी हम लोग पहला जो हमारा लेवल है या पहला जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेवल वन है टेस्टिंग द वाटर्स. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है द गोल ऑफ दिस लेवल इज टू गेट यू फेमिलियर विद द ML यूनिवर्स. यू विल लर्न अ बिट ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, सो अब आप एक बिगनर हो, आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो. ठीक है, अब मशीन लर्निंग के बारे में शायद आपको पता होगा कि बहुत ही वास्ट है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी टू बिकम एन एक्सपर्ट. अब होता क्या है कि जब कोई बिगिनर स्टार्ट करता है मशीन लर्निंग सीखना, तो बहुत सारी चीजें पढ़ते 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 वो थक जाता है और वो इस स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाता कि वो खुद का एक मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर पाए, उसको एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर पाए, उसको एक वेबसाइट में डिप्लॉय कर पाए. ठीक है, तो इस पूरे के पूरे लेवल का फंडा बस इतना है कि एक बार मैं आपको पूरा का पूरा ML यूनिवर्स दिखाना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे मशीन लेवल की जो दुनिया है वो काम कैसे करती है. ठीक है, ऑब्वियसली आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा जो भी आप इस लेवल पे करोगे उस चीज का, बट आप इस लेवल पे इतना सीख जाओगे कि आप अपना खुद का एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बना पाओगे छोटा सा, उसको एक वेबसाइट पे डिप्लॉय करके देख लोगे. ठीक है, जो कि मैक्सिमम लेवल है जो आपको रीच करना है बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स. ठीक है, सो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले, हम लोग एकदम शुरू में पाइथन सीखेंगे. ठीक है, सो शायद आपको पता होगा कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए. आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं जनरली, पाइथन और आर. ठीक है, तो आर मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ बिकॉज जनरली अगर आप रिसर्च में हो तो आपको आर ज़्यादा यूजफुल है. अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो पाइथन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं. हो सकता है कि आपको पाइथन पहले से आता हो डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, और हो सकता है नहीं आता हो. बट सिंस मैं आपको एकदम ही बिगनर लेकर के चल रहा हूँ, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पाइथन नहीं आता. ठीक है, तो मेरे पास एक 2 वीक प्लान है आपके लिए, बिल्कुल उतना पाइथन सिखाने का जितना आपको ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्लान है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ डिटेल में. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बेसिक्स को सीखना है. ठीक है, उसके बेसिक्स को सीखने का मतलब है उसके सिंटेक्स को सीखना है, उसके स्ट्रक्चर को सीखना है, उसमें किस तरह के डेटा टाइप्स यूज होते हैं ये सीखना है. ठीक है, अब आप ये सीख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, ये जो पाइथन का एक प्लेलिस्ट है. ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है. सो इस प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. ऑब्वियसली आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ. ये जितने भी ब्लू कलर वाले थंबनेल हैं, ये वाले वीडियोज आपको देखने हैं. ठीक है, सो आप कैसे टॉपिक्स पढ़ोगे, राइटिंग अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, डेटा टाइप्स, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, यूजर का इनपुट कैसे लिया जाता है. ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इफ एल्स कैसे चलाया जाता है, लूप्स कैसे चलाया जाता है. ठीक है, ब्रेक कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट क्या होता है, फंक्शंस बिल्ट इन कौन कौन से हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में मूव करेंगे, एज इन डेटा टाइप्स में मूव करेंगे. हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे, हम लोग उसके बाद या सेट्स पढ़ेंगे, डिक्शनरीज पढ़ेंगे, टपल्स पढ़ेंगे. ठीक है, ये जो ब्लैक कलर वाला थंबनेल वाले वीडियोज हैं, ये थोड़े डीप लेवल वाले वीडियोज हैं. आपकी श्रद्धा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट इस पॉइंट पे अगर आप ना भी पढ़ो तो काम चल जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा बस ये पाइथन फंक्शंस का पहला हाफ एन आवर आप देख लेना, बाकी का रिकर्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, पाइथन डीप डाइव भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो इतना आपको कवर करना है जल्दी से जल्दी, हो सके तो 2-3 दिनों में. ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे अगले टॉपिक पे, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन. ठीक है, सो जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो पाइथन को यूज करके, जो यूजर्स यूज करते हैं, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप OOP को यूज करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, जो कि बहुत ही रियल वर्ल्ड बेस्ड है. ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा बेसिक्स आना चाहिए. तो यहाँ पे 2 लेक्चर्स है मेरे. ठीक है, ये मैंने ओपन कर रखा है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर. ये लेक्चर्स मैंने एक कॉलेज में लिए थे, सो ये क्लासरूम सेटिंग में रिकॉर्डिंग है. 1.5-1.5 घंटे के 2 लेक्चर्स हैं, टोटल मिला के 3 घंटे का. आई वुड रिकमेंड आप चाय या कॉफी लेके बैठ जाओ और जस्ट इन लेक्चर्स को एक बार देख लो. ठीक है, काफी हंसी मजाक किया है मैंने इन लेक्चर्स में, आपको मजा आएगा. और इसी प्रोसेस में आप थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीख जाओगे. ठीक है, जो आपको आगे काम आएगी डेटा साइंस में. नाउ
एक बार आपने ये दोनों चीजें कर ली, अब आपको थोड़े से एडवांस टॉपिक्स के साथ काम करना है, ठीक है? तो मैं एक एक करके उन टॉपिक्स को बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले आपको फाइल हैंडलिंग सीखना है, ठीक है? तो ये अनफॉर्चुनेटली मेरे चैनल पे नहीं है ये वीडियो, ये मैंने एड्यूरेका के चैनल से उठाया है। एड्यूरेका इज अ फेमस चैनल, उन लोगों का एक अराउंड 30 मिनट्स का ट्यूटोरियल है ऑन फाइल हैंडलिंग, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली इस वीडियो को देखना है, इसमें जो कोड पढ़ाया जा रहा है उसको साथ ही साथ कर लेना है। फाइल हैंडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्यूचर में आप डेटा सेट्स के साथ काम करोगे, और उन डेटा सेट्स को कैसे इम्पोर्ट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे उसमें चेंजेस करना है, ये सब आप इस वीडियो में सीखोगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपके लिए यूजफुल है। अगेन ये मेरा ट्यूटोरियल नहीं है, ये कोरी शेफर बोल के एक यूट्यूब चैनल है जिसका पाइथन में आई गेस्ट यूट्यूब पे बेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं। आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हो, सिर्फ 10 मिनट का है, बट एक बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन मिलेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? बहुत सिंपल है, जब आपके एरर्स आते हैं प्रोग्राम में तो उनको कैसे हैंडल करते हैं प्रोग्रामर्स, उसका कॉन्सेप्ट है। सो कभी आप फ्यूचर में जब खुद की वेबसाइट्स बनाओगे जिसमें आप मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करोगे, तो वहां पे अगर कोड वगैरह फटता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, वो आप इस वीडियो में सीख जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक और पैराडाइम है प्रोग्रामिंग का। पैराडाइम का मतलब है एक और तरीके से प्रोग्रामिंग करना। ये जो अलग तरीका है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये एक्चुअली बहुत यूजफुल होता है डेटा साइंस में। कई जगह पे आप देखोगे कि आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जो सीखोगे वो यूज हो रहा है डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में। दैट इज वाई मैंने ये लेक्चर इंक्लूड किया है। अगेन ये लेक्चर मेरा नहीं है, ये एक चैनल है रियल फिजिक्स। अब मुझे चैनल के बारे में नहीं पता, बट ये वीडियो मैंने देखा था एंड टू एंड, और इन्होंने बहुत बढ़िया व्हाइट बोर्ड पे समझाया है, तो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हो, ठीक है? लास्टली आपको एक लाइब्रेरी सीखनी चाहिए, पाइथन का एक लाइब्रेरी है फ्लास्क बोल के, जिसको यूज करके आप वेबसाइट्स बनाते हो। सो जब आप अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओगे तो आपका काम होगा प्रोजेक्ट को बनाने के बाद उसको एक वेबसाइट में कन्वर्ट करना। तो एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको थोड़ा सा आइडिया इस चीज का भी होना चाहिए कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं, ठीक है? सो दैट इज वाई मैंने एक वीडियो डाला है फ्लास्क का। ये जो वीडियो है ये मेरे चैनल का वीडियो है। इनफैक्ट फन फैक्ट ये है कि ये मेरे चैनल का सबसे हाई परफॉर्मिंग वीडियो है, सबसे ज्यादा व्यूज हैं इसके ऊपर। तो आपको ये वीडियो एंड टू एंड देखना है, सिर्फ 1 घंटा 19 मिनट है। आप एक बार एक शाम बैठ जाओ और इस वीडियो को पूरा देख लो, इसमें जो कोड कराया है उसको साथ ही साथ आप चला के देखो, और आपकी भी एक वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का फंक्शनैलिटी ऐड किया है विथ अ डेटाबेस, ठीक है? तो काफी बढ़िया वीडियो है ये, आप देखोगे तो आपको पाइथन कंप्लीटली आ जाएगा, ठीक है? एंड गेस व्हाट, आपको बस इतना ही पढ़ना है पाइथन में, इससे ज्यादा कोई भी अगर आपको बोले तो आप बोलो नहीं यार काफी है, इतना पढ़ के हम लोग डेटा साइंस सीख लेंगे, ठीक है? लास्ट में एक चीज जो मैंने आपके लिए ऐड की है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब देखो यार, पाइथन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जैसे कि फिजिक्स होता है, ठीक है? जहां पे आप बुक पढ़ोगे और आप सीख जाओगे। पाइथन या फिर प्रोग्रामिंग इन जनरल स्किल होता है, ठीक है? और स्किल आप तभी सीखते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना? आप किसी को तैरते हुए देख के आप तैरना नहीं सीख सकते, ठीक है? या फिर किसी को साइकिल चलाते हुए देख के साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। आपको खुद जंप मारना पड़ेगा पानी में, या फिर आपको साइकिल उठानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपको पाइथन में कोड करना सीखना है तो आपको पाइथन में कोड करना पड़ेगा, ठीक है? सो अभी तक मैंने आपको सिर्फ वीडियोस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए। अब मैं आपको बंच ऑफ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ। ये एक गूगल डॉक फाइल है जिसमें मैंने खूब सारे पाइथन के प्रॉब्लम्स डाल रखे हैं। आपका काम ये होगा कि जिस दिन से आप पाइथन सीखना स्टार्ट करो उस दिन से ही आप इस फाइल में जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको लगाना स्टार्ट कर दो। शायद मेरे हिसाब से या 20-22 प्रोग्राम्स हैं, बट गेस व्हाट, ये प्रोग्राम्स इस तरह से डिजाइंड है कि जो भी आप वीडियोस में देखोगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है? तो अगर आप ये साथ में करोगे तो ये वीडियोस देखना काम आएगा, अदरवाइज आप तुरंत भूल जाओगे, ठीक है? सो ये जो पूरी चीज है, मेरे हिसाब से ये पूरी चीज को कंप्लीट करने में आपको 2 हफ्ते लगेंगे, ठीक है? अगेन अगर आप डेली का 3 से 4 घंटा स्पेंड करते हो तो मेरे हिसाब से आप 2 हफ्ते में इन
संडे को ब्रेक भी ले सकते हो, लेकिन 2 हफ्ते में आप ये पूरा का पूरा करिकुलम कवर कर सकते हो, ठीक है? एंड दैट्स इट, पाइथन आपने सीख लिया। चलो फिर गाइज, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। हमने पाइथन सीख लिया, अब आपको थोड़ा भी वेट नहीं करना है और 2 पाइथन की लाइब्रेरीज को सीखना है, बिकॉज ये ऐसी पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जिनको शायद आप मरते दम तक यूज करोगे अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में काम कर रहे हो। एक्सट्रीमली यूजफुल, ठीक है? ये 2 लाइब्रेरीज हैं, नंपाई और पैंडास, शायद आपने नाम भी सुना होगा। सो पहले नंपाई पे फोकस करते हैं बिकॉज ये थोड़ा पहले सीखना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, इनफैक्ट ये मेरे ही चैनल का नंपाई का प्लेलिस्ट है, दिस इज द प्लेलिस्ट, और इसमें टोटल मिला के आई गेस 14-15 वीडियोज हैं, 13 वीडियोज हैं इनफैक्ट, और यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्क्रैच से नंपाई के ऊपर काम कैसे करना है वो सिखाया है, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है नंपाई का, कि नंपाई एज अ लाइब्रेरी क्यों यूजफुल है, क्या काम है उसका मशीन लर्निंग में। उसके बाद मैंने आपको जो पूरे के पूरे फंडामेंटल्स हैं नंपाई के, सी नंपाई बेसिकली इसलिए यूज होता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एनडी एरे बोलते हैं, जो कि बहुत फास्ट होता है, और वही डेटा स्ट्रक्चर फ्यूचर में सारी मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज यूज करती हैं, साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, केराज, वो सब इंटरनली नंपाई एरेज यूज करते हैं। दैट इज वाई दिस लाइब्रेरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ट्यूटोरियल में आपको बताया है हाउ टू क्रिएट दोज एनडी एरेज, उन एनडी एरेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पाइथन के लिस्ट के साथ वो कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो आप नंपाई एरे के ऊपर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो आगे बहुत यूजफुल होंगे। आपको ये वीडियोस एक एक करके देख जाना है। द गुड पार्ट इज ये वीडियोस बहुत ईजी हैं, सेकेंड छोटे छोटे हैं, झट से हो जाएगा, शायद 2 दिनों में आप ये पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट भी कर लोगे, ठीक है? तो एक बार जब आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो तो अगेन मैंने आपके लिए एक सेट ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स खोजे हैं। सो मुझे गिटहब पर एक बंदा मिला जिसकी एक रेपोजिटरी है नंपाई 100 बोल के। सो ये रेपोजिटरी क्या है, ये 100 नंपाई एक्सरसाइजेस की रेपोजिटरी है, और आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ओपन करना है इसको, और ये देखो ये रहे हो सारे क्वेश्चंस जो नंपाई पे बेस्ड, ठीक है? आपको क्या करना है, एक गो में ट्राई करना है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ऑब्वियसली सारे सॉल्व नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं इसमें, बट द गुड पार्ट इज कि अगर आप इसमें से 50% क्वेश्चन भी अगर लगा लेते हो तो फिर आपका नंपाई पे थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है? और वो एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? तो ये आपको झट से झट करना है। मेरे हिसाब से ये पूरी चीज करने में आपको 3 दिन लगना चाहिए, बट तीनों दिन शायद आपको 4-4 घंटे बैठ के रगड़ना पड़ेगा, ठीक है? वंस आपका नंपाई पे कंट्रोल आ गया, अब आप मूव कर सकते हो अगली चीज के ऊपर, विच इज पैंडास। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता, अगर आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग की फील्ड में काम करना चाहते हो तो पैंडास कितना इंपॉर्टेंट है। सो पैंडास इज अ लाइब्रेरी जिसको यूज करके आप डेटा के ऊपर मैनिपुलेशंस कर सकते हो, ठीक है? सो अगर आपके पास एक डेटा सेट है सारे क्रिकेटर्स का, बैट्समैन लोगों का, और आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई किस बैट्समैन ने सबसे ज्यादा रन बनाए, या फिर कौन सा बैट्समैन 30 से 50 रन के बीच में सबसे ज्यादा बार आउट हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप पैंडास से बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है? सो पैंडास सीखने के लिए भी मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, दिस इज द प्लेलिस्ट बाय द वे, और इस प्लेलिस्ट में ज्यादा वीडियोज नहीं है, 21 वीडियोज है, बट ट्रस्ट मी एक बार अगर आप ये 21 वीडियोज देख लेते हो तो पैंडास का जो बेसिक्स है वो आप कवर कर लोगे, ठीक है? पैंडास में बहुत सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस अगर आप कवर करने बैठे ट्रस्ट मी शायद महीनों लग सकते हैं। दैट इज वाई ये सेलेक्टेड 21 वीडियोस देखो और आप रेडी हो जाओगे आगे मूव करने के लिए डेटा साइंस में, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आपको, जैसे कि ग्रुप बाय कैसे किया जाता है, सॉर्ट वगैरह कैसे किया जाता है, और उसके अलावा भी जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे फंक्शंस है जो आप डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करोगे जब आप बड़े डेटा सेट्स के साथ काम करोगे, वो सारा का सारा चीज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है? और बिल्कुल नंपाई की तरह मैंने क्या किया है कि सिंस अगेन आपको प्रैक्टिस किए बिना आप सीखोगे नहीं, तो मैंने एक और गिटहब रेपोजिटरी खोजी है इस बंदे की, जिसमें 100 पैंडास पजल्स हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे नंपाई के ऊपर थे, और आपका काम क्या होगा कि आपको इन पजल्स को सॉल्व करना है, ठीक है? एक बार मैं दिखा देता हूँ ये पजल्स कैसे दिखते हैं। सो दिस इज द फाइल, और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया जुपिटर नोटबुक में यू कैन सी
आपको एक एक करके 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डेटा अभी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इनके ही डेटा के ऊपर काम करोगे और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे जैसे आप इनको करते चले जाओगे, आप पैंडाज में और बढ़िया कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। अगेन 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इनफैक्ट 100 है भी नहीं, इन्होंने 60 डाला है, विच इज फाइन। तो आप 60 क्वेश्चंस अगर लगा लो तो बहुत बढ़िया है, और एक बार अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप पैंडास पे यू नो यू विल बी लाइक इन कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है। सो मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड टाइम 4 डेज है। सो मतलब ये हुआ कि नंपाई और पैंडास को अगर आप मिला दो तो ये दोनों चीजें सीखने में शायद आपको 1 हफ्ता लगेगा, ठीक है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही टाइम है। 1 हफ्ते में आप सच में नंपाई और पैंडास में बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपने इतना कर लिया फिर आपको आगे मूव करना है अगली चीज पे, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। सो आपको पता है कि जब आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनोगे तो आप दिन भर डेटा सेट्स के साथ काम करोगे, ठीक है। अब डेटा सेट्स में डेटा होगा और डेटा में आपको पैटर्न्स खोजने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली डेटा कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और वो पैटर्न्स हिडन हो सकते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि आपको जब भी डेटा सेट मिले आप जितना हो सके उसमें ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करके देखा करो। क्योंकि ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने से क्या होता है कि जब आप विजुअली चीजों को देखते हो तो वो पैटर्न्स बहुत क्लियरली सामने निकल के आते हैं, ठीक है। तो इट इज एडवाइजेबल कि अगर कोई भी मशीन लर्निंग सीख रहा है तो उसको बहुत जल्दी शुरू में ही डेटा विजुअलाइजेशन सीखना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको 2 लाइब्रेरी सीखने को बोलूंगा। पहली लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब और दूसरी लाइब्रेरी है सीबॉन। और भी लाइब्रेरीज हैं, बहुत एडवांस लेवल लाइब्रेरीज हैं, बट मुझे लगता है कि बिगिनर के लिए ये 2 लाइब्रेरीज काफी हैं, ठीक है। सो मैटप्लॉटलिब के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट करने को, ठीक है। टोटल मिला के इस प्लेलिस्ट में 10 वीडियोज हैं। अगेन ये कोरी शेफर के यूट्यूब चैनल से है, सो बहुत ही ट्रस्टेड है। मैटप्लॉटलिब बेसिकली आपका फंडामेंटल प्लॉटिंग लाइब्रेरी है पाइथन में। जो भी और लाइब्रेरीज आप फ्यूचर में पढ़ोगे वो सब मैटप्लॉटलिब पे ही बेस्ड होती हैं, तो दैट इज वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बस ये वीडियोज को देखना है और इनके अंदर जो कोड्स कराए जा रहे हैं बस उनको साथ में कर लेना है, ट्रस्ट मी उतना काफी है, ठीक है। एक बार जब आप मैटप्लॉटलिब में कंफर्टेबल हो जाओगे उसके बाद आपको मूव करना है सीबॉन में। सीबॉन थोड़ा और एडवांस लाइब्रेरी है, इन द सेंस आप ज्यादा अच्छे और ज्यादा तरीके के ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो, बट गेस व्हाट, यूज करने में ज्यादा आसान है, ठीक है। ये मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है और इसमें भी 10 वीडियोज हैं, और इसमें मैंने ज्यादातर जो आपकी ग्राफ्स हैं वो मैंने प्लॉट करके दिखाए हैं। अगेन मेरा एडवाइस होगा कि आप जैसे जैसे मैं कोड कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे आप कोड करो, और दैट वुड बी इट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आप एनी वेज बहुत यूज करोगे इन लाइब्रेरीज को, प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए फिलहाल इतना काफी है, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट बिट्स, ठीक है। और बाय द वे मेरे हिसाब से आपको ये डेटा विजुअलाइजेशन कंप्लीट करने में अगेन 1 हफ्ता लगना चाहिए। डेली 3 घंटे 2 घंटे भी पढ़ोगे तो सफिशियंट है। मैटप्लॉटलिब के वीडियोस देखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सीबॉन तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। सो दैट्स इट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो अभी तक आपने पाइथन सीख लिया, आपने नंपाई पैंडास और प्लॉटिंग लाइब्रेरीज देख ली, ठीक है। तो इन अ वे आप कोडिंग के तरीके से रेडी हो, बट आपको पता है कि डेटा साइंस मशीन लर्निंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स से ही ज्यादातर लोगों को डर लगता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत स्लोली आपकी लाइफ में मैथ्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। सो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करो। स्टैटिस्टिक्स में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, पहला होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ने को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, दिस इज द प्लेलिस्ट, 13 वीडियोज है इसमें। बहुत ही स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है मैंने, सबसे पहले मैंने आपको समझाया है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, उसके बाद क्या क्या टाइप्स ऑफ डेटा आपको मिलता है, अलग अलग टाइप्स पे आप किस तरह के ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे आप मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़ोगे, उसके बाद मेजर ऑफ स्प्रेड, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ोगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ और सीडीएफ में क्या
कैसे कैलकुलेशन होता है, सीडीएफ हमें कैसे काम आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जी स्कोर क्या होता है, और फाइनली सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, अब अगर ये 13 वीडियोस ढंग से देख लो और यहाँ पे जो कोड्स मैंने कराए हैं उनको आराम से साथ में बैठ के कर लो, ट्रस्ट मी लेवल 1 के लिए आपका मैथ्स कंप्लीटली रेडी है। इससे ज्यादा मैथ्स की आपको जरूरत नहीं है। एंड गेस व्हाट, इतने वीडियोस अच्छे से देखने में और साथ ही साथ कोड करने में आपको हार्डली 4 दिन लगेगा। ठीक है, तो बस आपको इतना कर लेना है। अभी खुद से क्वेश्चन मत पूछो कि मुझे कितना मैथ्स आया कितना नहीं आया, बस जैसा मैं बता रहा हूँ ट्रस्ट करो, इतना स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, वंस यू आर डन विथ दिस मच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब आप धीरे धीरे डेटा एनालिसिस प्रोसेस की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, सो शायद आपको पता होगा कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में मोस्टली आप प्रिडिक्टिव टास्क करते हो, मतलब मेरे पास ये डेटा है, मुझे नया डेटा मिले तो मैं उस पर प्रिडिक्शन करूंगा। मान लो मेरे पास बच्चों का डेटा है, उनका IQ, उनका CGPA और उनका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। अब मुझे एक ऐसा मॉडल बनाना है जो फ्यूचर में प्रिडिक्ट करके बताएगा नए बच्चे के लिए कि गिवन उसका CGPA और IQ उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं। ठीक है, तो मोस्टली आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स जो करते हो वो प्रिडिक्टिव नेचर के होते हैं, मतलब पुराना डेटा देख के सीखते हो, नए डेटा पे प्रिडिक्शन करते हो। बट वो करने के लिए आपको पहले गिवन डेटा के ऊपर अच्छे से डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डेटा एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपके डेटा में क्या पैटर्न्स हैं, और फिर आप अच्छा मॉडल नहीं बना पाओगे। दैट इज वाई हमेशा बोला जाता है कि एक अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर को डेटा एनालिसिस भी आना चाहिए। एंड दैट इज वाई आई विल रिकमेंड कि आप पहले डेटा एनालिसिस प्रोसेस सीखो। ठीक है, सो इसका एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, दिस इज द प्लेलिस्ट, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है पहला वाला। ठीक है, अगेन फन फैक्ट, ये मेरे चैनल का शायद पहला वीडियो है जितना मुझे याद है। सो एक बार ये वीडियो आपको देखना है। इस वीडियो में मैंने 17 मिनट में एक PPT यूज करके आपको कंप्लीट डेटा एनालिसिस प्रोसेस बताया है, जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। ये वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस पूरी प्लेलिस्ट में मैंने उन 5 स्टेप्स को और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको एक एक करके ये सारे वीडियोस देख लेने हैं। एक बार आपने ये वीडियो देख लिया और इस वीडियो में जो कराया जा रहा है साथ में प्रैक्टिस कर लिया, ट्रस्ट मी आप डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है वो समझ जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप बढ़िया डेटा एनालिसिस करना सीख जाओगे, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है, बट एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपने कर लिया तो नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या फिर जिसको हम EDA बोलते हैं वो होता क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेटा एनालिसिस प्रोसेस डिस्कस किया था। सो डेटा एनालिसिस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेप्स होते हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है EDA। अब EDA ही वो स्टेप होता है जहाँ पे आप डेटा के अंदर पैटर्न्स खोजते हो, उसको एनालाइज करते हो और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो डेटा के बारे में। ठीक है, अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि ये साइंस भी नहीं है, ये एक आर्ट है, और हर किसी का अलग स्टाइल होता है EDA करने का, और वो स्टाइल ओवर द ईयर्स डेवलप होता है। शुरू में जब आप EDA करने जाओगे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि करना क्या है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपका एक स्टाइल डेवलप होता है। ठीक है, तो जो पूरे के पूरे रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे डाले हैं उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सो फर्स्ट पार्ट में ये 4 वीडियोज हैं जहाँ पे आपको वीडियोस देख के समझना है कि EDA में क्या होता है कैसे EDA परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद मैंने कुछ बहुत फेमस डेटा सेट्स के ऊपर कैगल में जो सबसे बढ़िया नोटबुक्स हैं उनको एक्यूमुलेट किया है, जहाँ पे लोगों ने EDA परफॉर्म कर रखा है, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और उसके बाद लास्ट में मैंने 3 प्रोजेक्ट्स डाले हैं EDA के ऊपर। ठीक है, सो दैट आप थोड़ा प्रैक्टिस करके सीख पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी शो यू द 4 वीडियोस। सो ये 4 वीडियोस मेरे ही चैनल के हैं। पहला वीडियो है अंडरस्टैंडिंग योर डेटा, जहां पे मैंने आपको बहुत डिटेल में फिर से समझाया है, ऑल्दो आपने पहले भी देखा होगा कि डेटा का टाइप्स क्या होता है और हर टाइप के साथ काम कैसे करना है। उसके बाद आपको सेकेंड वीडियो में जाना है, सेकेंड वीडियो है यूनिवेरिएट एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, अब यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जब डेटा सेट मिलेगा तो डेटा सेट हमेशा मल्टीपल कॉलम्स
से मिलके बना होगा। जैसे कि एक डेटा सेट ये है, CGPA, IQ, बच्चा कौन से स्टेट में पढ़ा था, उसका 10th का मार्क्स कितना है, और लेट्स से उसका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के हमारे पास 5 कॉलम्स है। अब जब आप एक सिंगल कॉलम के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, मान लो CGPA के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो कि CGPA का मीन कितना है, तो इस तरह के एनालिसिस को बोला जाता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, यूनिवेरिएट एक वेरिएबल का एनालिसिस, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने यही दिखाया है कि आप जब आपको एक डेटा सेट मिले तो आप उसके ऊपर यूनिवेरिएट एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हो, किस तरह के ग्राफ्स प्लॉट किए जाते हैं और किस तरह का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। फिर आप जब थर्ड वीडियो पे मूव करोगे, वहां पे मैंने आपको दिखाया है कि बाई वेरिएट और मल्टी वेरिएट एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगेन, बाई वेरिएट और मल्टी वेरिएट क्या होता है, दो के बीच का रिलेशनशिप को बाई वेरिएट बोला जाता है। लेट्स से मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ जहां पे एक्स एक्सिस पे CGPA है और वाई एक्सिस पे IQ है, और मैं इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, स्कैटर प्लॉट। नाउ दिस इज बाई वेरिएट एनालिसिस। बाई वेरिएट मतलब दो वेरिएबल्स के बीच का एनालिसिस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 10th के मार्क्स को ले आऊं थर्ड एक्सिस पे, और फिर ये 3D ग्राफ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टी वेरिएट एनालिसिस, क्योंकि आप इसमें दो से ज्यादा वेरिएबल्स को साथ में एनालाइज कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैंने वही समझाया है कि हाउ टू परफॉर्म बाई वेरिएट एंड हाउ टू परफॉर्म मल्टी वेरिएट एनालिसिस यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, ये मैंने एक डेटा सेट के ऊपर करके दिखाया है, ठीक है। और जो फोर्थ वीडियो है वो एक टूल के ऊपर है जिसका नाम है पैंडास प्रोफाइलर। ये एक टूल है जिसको यूज करके आप ऑटोमेटेड EDA कर सकते हो, वो सारा का सारा एनालिसिस खुद से जनरेट करके दे देगा एक रिपोर्ट के फॉर्म में, जो कि बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो आपको जो पहले 4 रिसोर्सेज आप यहाँ पर लिस्टेड है, ये एक्चुअली मेरे ही 4 वीडियोज हैं जो आपको एक ओवरव्यू देंगे इस पूरे EDA प्रोसेस का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे के, एटलीस्ट ये कितने हैं मुझे पता नहीं, शायद 5-6 हैं, ये सारे लिंक्स हैं कैगल नोटबुक्स के, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। जैसे ये एक नोटबुक है हाउस प्राइसेस डेटा सेट के ऊपर, इस बंदे ने ये नोटबुक बनाया है और मैंने पढ़ा इसको और मुझे लगा कि इट इज वर्थ शेयरिंग विथ यू गाइस, जहाँ पे इस बंदे ने इस डेटा सेट के ऊपर बहुत प्यार से बहुत बढ़िया EDA परफॉर्म किया है, और ही मस्ट बी रियली गुड इन दिस। तो इससे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नोटबुक को उठाना है और एक बार पहले तो पढ़ लेना है पूरा, और फिर हो सके तो इसी डेटा सेट के ऊपर जाके इस चीज को रिपीट करना है, ठीक है। तो ये नोटबुक पढ़ना या फिर किसी का वीडियो देखना सेम है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से नोटबुक बना हुआ है। सेकेंड जो नोटबुक है वो अगेन देर इज दिस गाय मानव सहगल, इनका टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर बनाया हुआ नोटबुक है जिसमें अगेन इन्होंने EDA परफॉर्म किया है। एंड ये जो सारे डेटा सेट्स हैं ये बहुत ही फेमस कॉमन डेटा सेट्स हैं, तो इनके ऊपर आपको एक बार एनीवेज काम करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है हेबरमैन डेटा सेट के ऊपर, मेडिकल डेटा सेट है ये। उसके बाद है हार्ट डिजीज, अगेन बहुत फेमस मेडिकल डेटा सेट। उसके बाद है IPL डेटा सेट के ऊपर एक नोटबुक, जहाँ पे जो भी ये बंदा है, नाम नहीं पता मुझे, ऊपर लिखा होगा, उसने IPL के डेटा सेट के ऊपर EDA परफॉर्म किया है। मुझे पर्सनली क्रिकेट बहुत पसंद है, तो एटलीस्ट एक तो मुझे डालना ही था। नेक्स्ट इज वाइन रिव्यूज, ये भी एक बहुत फेमस डेटा सेट है, इसके ऊपर EDA। और उसके बाद सेकेंड लास्ट है डायबिटीज क्लासिफिकेशन के ऊपर एक EDA, एंड लास्ट वन इज ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट के ऊपर, विच इज अगेन अ वेरी फेमस डेटा सेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सारे नोटबुक्स को एक बार बढ़िया से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और फिर इस डेटा सेट के ऊपर रिपीट करना है जो इन लोगों ने किया, ठीक है, उतना काफी होगा। सो ये हो गया सेकेंड पार्ट इस रिसोर्स का। एंड इन द लास्ट पार्ट मैंने 3 प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं जो मेरे ही चैनल के प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है ओलंपिक्स डेटा एनालिसिस। सो लास्ट ईयर अराउंड मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था जब टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे थे। यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन बनाया है, एक वेबसाइट बनाई है जहां पर आप ओलंपिक्स का पूरा डेटा एनालाइज कर सकते हो। हर ओलंपिक्स में टॉप कौन सा कंट्री रहा, कौन से स्पोर्ट्स में सबसे आगे रहा, कौन सा एथलीट सबसे आगे रहा, किसने कितना गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, ये सारा एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है। दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, ये आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कोविड डैशबोर्ड बनाना। देखा होगा आपने आजकल
कोविड फिर से आ गया है, तो कोविड डैशबोर्ड्स आपने बहुत देखे होंगे जहां पर डेली काउंट वगैरह दिखता है, ग्राफ वगैरह दिखता है। तो ये सेम चीज मैंने यहाँ पे बनाई है। अराउंड 2 घंटे का एक लेक्चर है, किसी की क्लास ले रहा था मैं, वहां पे मैंने बनाया। इसको आप फॉलो कर सकते हो, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है आज के सिनेरियो में। एंड द लास्ट वन इज व्हाट्सएप चैट एनालिसिस, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, जहां पर मैंने अपने ही चैट्स को डाउनलोड करके उसके ऊपर टेक्स्ट एनालिसिस किया। ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट जानबूझ के ऐड किया, बिकॉज ये अलग टाइप का प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो टेबुलर डेटा नहीं है, टेक्सचुअल डेटा है। तो ये जो एनालिसिस है ये टेक्सचुअल एनालिसिस है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने कई तरीके की चीजें की कि कौन सा यूजर सबसे ज्यादा चैट भेजता है, सबसे ज्यादा स्माइलीज भेजता है, सबसे ज्यादा लिंक शेयर करता है, बहुत सारे इस तरह का चीज किया मैंने। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि इसको बनाए हुए अराउंड 6 महीने हो चुके हैं। तो आप अगर ये वीडियो भी फॉलो करो, और इसको भी मैंने एक वेबसाइट में कन्वर्ट किया है, तो आपका पोर्टफोलियो में भी एक प्रोजेक्ट ऐड हो सकता है। ठीक है, मेरे को लगता है अगर आप इतना कर पाते हो मेरे हिसाब से 1 हफ्ते में, जो कि थोड़ा सा कम टाइम है, तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़े डेली बेसिस पे, बट अगर आप ये कवर कर पाते हो तो आप ईडीए करना सीख जाओगे बिगिनर लेवल पे। मैं बिगिनर लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईडीए अच्छे से सीखने में टाइम लगता है किसी को भी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे, इट वुड टेक सम टाइम, सो जस्ट बी पेशेंट। एक बार ये सारे रिसोर्सेस कवर करो एंड यू विल बी गुड विथ ईडीए। ठीक है, वंस यू आर डन विथ ईडीए, अब आप रेडी हो मशीन लर्निंग वाले पार्ट में घुसने के लिए। सो मशीन लर्निंग, मैंने पहले भी बोला है और मैं फिर से बोलूंगा कि मशीन लर्निंग एक बहुत ही डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है मास्टर करना, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स है, और सेकेंड बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, बट गेस वॉट, हमारे पास एक प्लान है। रिमेम्बर हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम लोग एक प्लान के तहत मशीन लर्निंग सीखेंगे, और हम अभी लेवल 1 में है, और लेवल 1 में हमारा काम है बस एक बार मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट बना के देख लेना, बस उतना ही सीखना है, दिल पे लेना नहीं है ज्यादा कुछ। ठीक है, तो मैंने मशीन लर्निंग के जो रिसोर्सेज हैं उनको 2 पार्ट्स में यहाँ पे डाला है। फर्स्ट पार्ट में ये कुछ 10-11 वीडियोज है जहां पे मैंने आपको मशीन लर्निंग के बेसिक्स थ्योरी समझाई है, और उसके बाद 4 वीडियोस हैं जो इतना प्रैक्टिकल है कि आप इनको यूज करके एक छोटा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बना लोगे, दैट्स इट। ठीक है, हम अभी किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली आपको जरूरत नहीं है इस लेवल पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ने का। ऑल्दो हम यूज करेंगे बट हम डीप में पढ़ नहीं रहे, अगले लेवल पे देखा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके इन रिसोर्सेज के बारे में बताता हूँ और हल्का सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वीडियो आपको कवर करना है जहां पे मैंने आपको 20 मिनट में समझाया है कि भैया मशीन लर्निंग होता क्या है, ठीक है, किस चिड़िया का नाम है। 20 मिनट में बढ़िया एग्जाम्पल्स दिए मैंने, और एक बार अगर आप ये 20 मिनट का वीडियो देखोगे, भले आप एक बिगनर हो, ट्रस्ट मी आपको एक अंदाजा लग जाएगा मशीन लर्निंग किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अगले वीडियो पे मूव करना है जहां पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि भैया एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में मैंने 15 मिनट में उस डिफरेंस को क्लियर आउट किया है। ठीक है, और इसको देखने के बाद फिर आपको वो डाउट नहीं रहेगा बिगिनर लेवल वाला कि भैया मशीन लर्निंग वाली चीज एआई से कैसे डिफरेंट है, ये सब डाउट्स आपको नहीं रहेंगे, ये वीडियो आपको देखना है। उसके बाद जब आप ये सारे डाउट्स क्लियर कर लो, तो फिर आप बढ़ोगे अगले वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वीडियो शायद अभी तक जो तीनों वीडियोस हैं उसपे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप सीखोगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपका सुपरवाइज्ड होता है, अनसुपरवाइज्ड होता है, रीइन्फोर्समेंट होता है, यही बताया मैंने इस वीडियो में, बट बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स दे करके। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, तो आपको ये वीडियो कवर करना है। थोड़ा बड़ा है, ऑलमोस्ट आधे घंटे का है, बट यहाँ पे आपको काफी नोट्स बनाने वाला मटेरियल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने और थोड़ा डीप में मशीन लर्निंग को समझाया है। मैंने आपको समझाया है कि बैच मशीन लर्निंग किसे बोलते हैं। ठीक है, और उसके ठीक अगले वीडियो में, जो इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, उसमें मैंने समझाया है कि ऑनलाइन मशीन लर्निंग किसे बोलते हैं। ये दोनों टाइप्स होते हैं, बैच मशीन लर्निंग, ऑनलाइन मशीन लर्निंग। बैच मशीन लर्निंग ऐसा मशीन लर्निंग होता है जिसको आप एक बार ट्रेन करके सर्वर पे डाल देते हो और वो चलता रहता है। ऑनलाइन मशीन लर्निंग एक ऐसा मॉडल होता है जो सर्वर पे जाके भी ट्रेन होता रहता है डेली बेसिस पे डेटा के आने के साथ। ठीक है, तो ये सब के बारे में मैंने काफी अच्छा एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको फॉलो करना है। उसके बाद मैंने एक और क्लासिफिकेशन दिया है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बीच, कि कुछ एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो इंस्टेंस बेस्ड होते हैं, कुछ मॉडल बेस्ड होते हैं।
अब ये दोनों क्या होता है वो पढ़ने के लिए, वो देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। उसके बाद हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग। जब आप फ्यूचर में मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओगे ना, तो डे टू डे लेवल पे आपको क्या परेशानियां होंगी और किन चीजों को आपको सॉल्व करना है वो मैंने इस वीडियो में समझाया है अच्छे से, ठीक है। अगेन थोड़ा बड़ा वीडियो है। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये वीडियो देखने में आपको शायद सबसे ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग मैंने डिस्कस किया है, कुछ 8-10 एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पे मशीन लर्निंग बहुत यूज हो रहा है, कंपनीज बहुत यूज कर रही हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है ट्विटर का, वो जरूर देखना, वो बहुत ही मजेदार एग्जांपल है और उसको पढ़ के आप बहुत इंस्पायर्ड फील करोगे, ठीक है। ऑल्सो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे मैंने समझाया है कि ओला का सर्च प्राइसिंग कैसे काम करता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, पर्सनली मैं कई बार जाके देख चुका हूँ इसको। उसके बाद आपको डिस्कस करना है मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगेन अभी तक जितने वीडियोस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैंने क्या बताया है कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें मशीन लर्निंग यूज होगा, तो उस सॉफ्टवेयर को एंड टू एंड कैसे प्लान किया जाता है और कैसे बनाया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि आप जब इंडस्ट्री में काम करोगे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन के, तो वो काम कैसा होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एफएक्यू टाइप का वीडियो, जहां पे हम चार जॉब प्रोफाइल्स को कंपेयर करेंगे, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। बहुत लोगों को शुरू में इन चारों में कंफ्यूजन होता है, ये वीडियो देखने के बाद वो कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया है, चारों में डिफरेंस क्या है, चारों के जॉब प्रोफाइल में क्या क्या अलग चीजें होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सैलरी में कितना डिफरेंस है और आपको इवेंचुअली क्या बनना चाहिए, ये सब कुछ इसमें डिस्कस्ड है, ठीक है। उसके बाद ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहां पे मैंने डिस्कस किया है फ्रेमिंग अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। सो अगर आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है, तो आप उसको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये थिंकिंग, सोच कैसे डेवलप करनी है, उसके बारे में ये वीडियो है, ये वीडियो भी आपको देखना है। तो ये 10-11 वीडियोज हैं जो एकदम थ्योरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग है उसके ऊपर बात करते हैं। इतना सीखने के बाद मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है कि अब आपको थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का बेसिक समझ में आ गया, तो अब हम लोग मूव करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। तो सबसे पहले आपको ये 37 मिनट का वीडियो देखना है और आपको अपना लैपटॉप रेडी करना है आगे के काम के लिए, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सही सेटअप क्रिएट करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये सब करके दिखाया। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मेरा कोई सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, इस तरीके से ये वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, काफी डिटेल में। एक बार जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर कोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहला जो वीडियो आपको देखना है वो है वर्किंग विथ सीएसवी फाइल्स। तो सीएसवी फाइल क्या होता है आपको पता होगा, जैसे एक्सेल की फाइल्स होती है सीएसवी फाइल होता है। तो 90% टाइम्स आप जब मशीन लर्निंग में काम करोगे, तो आपको जो डेटा मिलेगा वो टेबुलर डेटा होगा और वो सीएसवी फॉर्मेट में स्टोर्ड होगा। तो दैट इज वाई दिस फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए कुछ 40 मिनट आपको स्पेंड करने हैं हर तरीके से सीएसवी फाइल को कैसे हैंडल करना है ये समझने के लिए। तो दैट इज वाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार जब आपने ये कर लिया, उसके बाद फिर आपको एक चीज और सीखनी है कि आपको जेसॉन एपीआई से आने वाला डेटा और सीक्वल डेटाबेस से आने वाला डेटा, इन दोनों के साथ काम कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा फ्यूचर में, जब आपके पास जो डेटा होगा वो टेबुलर डेटा तो होगा, बट वो उसका सोर्स कुछ और होगा, जैसे किसी और की वेबसाइट या फिर किसी और का डेटाबेस, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो मैंने यहाँ पे समझाया है। और फाइनली जब आप ये सब कुछ कर लो, तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पे मैंने आपको एक वेबसाइट बना के दिखाई है, प्लेसमेंट प्रिडिक्टर, जहां पे अगर आप एक बच्चे का आईक्यू बताओ और सीजीपीए बताओ, तो ये वेबसाइट प्रिडिक्ट करेगी कि प्लेसमेंट होगा या प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट में, मतलब इसमें एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी यूज किया है, एकदम स्क्रैच से सिखाया है। डेटा कहाँ से मिलेगा वो सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन किया, मॉडल को वेबसाइट में कन्वर्ट किया, और ये सब कुछ एक वीडियो में आपको दिखाया है। इस वीडियो से आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू मिलेगा कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। इस वीडियो का गोल ये नहीं है कि आपको अच्छे से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो का गोल है कि मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो देख के आपको वो समझ में आ जाएगा। एंड दैट्स इट गाइस, ये पूरी चीज कवर करने में मेरे हिसाब से आपको 1
वीक लगना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कम है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है. ठीक है, तो दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड दिस रिसोर्स. सो दैट वॉज लेवल नंबर वन गाइस. आई होप इस पूरी चीज को कवर करने के बाद आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला होगा कि एक डेटा साइंटिस्ट क्या करता है. ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग सीखी, आपने थोड़ा स्टैटिस्टिक्स सीखा, आपने थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस किया, आपने ईडीए परफॉर्म किया, और फिर आपने मशीन लर्निंग के बेसिक सीखे, और फाइनली अपना पहला मॉडल बिल्ड किया. अब आप लोग एकदम रेडी हो टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पर हम सीखेंगे कंसेप्चुअल बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग. ठीक है, इस लेवल में द होल आइडिया इज कि जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो मशीन लर्निंग को मशीन लर्निंग बनाती हैं, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी. मोस्टली यहां पे आप थ्योरी कवर करोगे. यू विल स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, थोड़ा बहुत कैलकुलस एंड लीनियर एलजेब्रा, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इन डिटेल. और उसके बाद मैं आपको कुछ और टॉपिक्स बताऊंगा जो बहुत कंसेप्चुअल हैं और बहुत यूजफुल है मशीन लर्निंग में, लाइक टेंसर क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है. ये सारी चीजें आप इसी लेवल में पढ़ोगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ लेवल नंबर टू. ऑलराइट देन, लेट्स स्टार्ट विथ लेवल टू. जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस लेवल का काम है आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग बनाना. ठीक है, यहां पर आप वो चीजें पढ़ोगे जो आपका नॉलेज का जो फाउंडेशन है वो क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बहुत छोटे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बट ये छोटा टॉपिक बहुत इम्पैक्टफुल है मशीन लर्निंग में. ठीक है, इसको बोला जाता है टेंसर्स. अब टेंसर्स क्या होते हैं? इट्स बेसिकली एन डायमेंशनल एरेज. ठीक है, बहुत यूजफुल है, हर जगह आपको दिखेगा जैसे ही आप मशीन लर्निंग में काम करोगे या फिर आगे जाके डीप लर्निंग में मूव करोगे. इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि गूगल ने जो अपनी डीप लर्निंग लाइब्रेरी बनाई है उसका नाम रखा है टेंसर फ्लो. ठीक है, तो शायद आपने नाम भी सुना होगा. अब टेंसर्स क्या होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप टेंसर के टर्म्स में ही डेटा को रिप्रेजेंट करते हो. किसी भी तरह का डेटा हो गया वो टेंसर के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है. टेबुलर डेटा हो गया, इमेज डेटा हो गया, वीडियो डेटा हो गया, किसी भी तरह का डेटा आप टेंसर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड दैट इज वाई एकदम शुरू में मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो टेंसर्स को लेके. ठीक है, सो मैंने एक 40 मिनट का वीडियो बनाया है, एंड ट्रस्ट मी, बहुत प्यार से मैंने इस 40 मिनट में आपको समझाने का ट्राई किया है कि टेंसर्स क्या होते हैं. बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो के पीछे. अगर आप ये 40 मिनट देख लेते हो, मुझे नहीं लगता लाइफ में आपको कभी भी परेशानी होगी टेंसर्स के साथ. ठीक है, तो मुझे लगता है ये कंप्लीट करने में आपको हार्डली एक दिन लगेगा, बिकॉज यू जस्ट हैव टू सी द वीडियो, नथिंग एल्स. ठीक है, नाउ रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि मशीन लर्निंग इज डिफिकल्ट बिकॉज उसमें मैथ्स बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो अब वो टाइम आ गया है जब आपको मैथ्स सीखना चाहिए. ठीक है, सो आपने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स लेवल वन में पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअली विल मूव इनटू इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, कोवेरियंस क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, क्यू क्यू प्लॉट क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, और ये सारे टेस्ट आप पढ़ोगे. ठीक है, अब अगेन ये सब कुछ नहीं है स्टैटिस्टिक्स में. स्टैटिस्टिक्स में इसके अलावा और भी बहुत टॉपिक्स हैं, बट ये मैंने कट शॉर्ट किया है सब कुछ को, बिकॉज अगेन आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर, एंड खोने नहीं चाहता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि आप खो जाओ. ठीक है, सो दैट इज वाई मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स को निकाला है जो मैंने बहुत ज्यादा देखा है यूज होते हुए मशीन लर्निंग में. ठीक है, तो मैंने एक प्ले लिस्ट बनाया है अपने चैनल पे, ऑल्दो इस प्ले लिस्ट में एक भी वीडियो मेरा नहीं है. ये सारे वीडियोज मैंने अलग अलग चैनल से एक्यूमुलेट किए हैं, जैसे कि ये रहा वो प्ले लिस्ट. सबसे पहले आपको पढ़ना है पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, उसके बाद कोवेरियंस क्या होता है, उसके बाद कोरिलेशन क्या होता है, क्यू क्यू प्लॉट्स क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, और फिर सारे के सारे जो आपके टेस्ट हैं. ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आपको ट्रस्ट मी एडवांस लेवल पे स्टैटिस्टिक्स की जितनी जरूरत है उतना आ जाएगा. और इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस आपको वीडियो देखते टाइम समझ में तो आ जाएगा कि हो क्या रहा है, बट आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किसी नए डेटा सेट के ऊपर कब किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, और वो प्रैक्टिस से होगा. सो अभी आपको उस चीज में फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है. वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग
यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, अच्छा अब ये टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया टेंसर, सॉरी स्टैटिस्टिक्स का बात, एंड आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि कितना टाइम लगेगा, बट मेरे हिसाब से ये पूरी चीज को कवर करने में आपको 3 से 4 दिन लगने चाहिए, बिकॉज अगेन आपको कुछ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियोज। सो वंस यू आर डन विद स्टैटिस्टिक्स, आपको फिर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी सीखना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के आप देखोगे कि कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, या फिर कभी कभी आपको समझना पड़ेगा कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए आपको थोड़ा प्रोबेबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। सो अगेन मैंने क्या किया है, एक प्लेलिस्ट एक्यूमुलेट किया है, एक्यूमुलेट इन द सेंस इस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस मेरे हैं और कुछ वीडियोस कुछ और चैनल्स के हैं, और आप ये टॉपिक्स पे फोकस करोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, बेयेस थ्योरम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और उसके बाद सारे डिस्ट्रीब्यूशंस जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, सो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें अक्यूमुलेट कर रखी है इस प्लेलिस्ट में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बेयेस थ्योरम, प्रॉब्लम्स ऑन बेयेस थ्योरम, और उसके बाद ये एक दूसरे चैनल के वीडियोस हैं 365 डेटा साइंस, जहाँ पे आपको पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, और उसके बाद यूनिफॉर्म बाइनोमियल बर्नौली और पोशायन डिस्ट्रीब्यूशंस का वीडियो यहाँ पर है। ठीक है, अगेन आपको कुछ करना नहीं है, दिस ऑल इज थ्योरेटिकल, बैठ के शायद एक कॉपी पेन ले लो, थोड़े से कुछ मेंटल नोट्स बनाओ, एक या दो बार देख लो, हार्डली 3 से 4 दिन लगेगा ये पूरी चीज करने में, बट अगेन आपको एक एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कुछ ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, सो दैट अगर आप फ्यूचर में इस चीज से मिलोगे ना, तो आपको आपको माइंड क्लिक करेगा कि अच्छा हाँ ये तो पढ़ा है मैंने, और फिर आप वापस आके थोड़ा सा पढ़ोगे तो इस तरीके से आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कैच करने लग जाएगा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ा सा कवर करना है, उसके बाद अगेन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो आपको पढ़ना है, दैट इज लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा इज द बैकबोन ऑफ मशीन लर्निंग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लीनियर एल्जेब्रा इज द बैकबोन ऑफ मशीन लर्निंग, इनफैक्ट नॉट ओनली मशीन लर्निंग ऑल्सो डीप लर्निंग, डीप लर्निंग भी जब आप पढ़ने जाओगे इसके बाद यू वुड फाइंड लीनियर एल्जेब्रा के ऊपर ही खड़ा है डीप लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि आप डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो यूजिंग मेट्रिसेस एंड ऑल, वेक्टर्स होते क्या है, मेट्रिसेस का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन क्या है, दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आपकी लाइन का इक्वेशन क्या होता है एन डायमेंशनल स्पेस में, और आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। अगेन लीनियर अलजेब्रा अगर आप स्क्रैच से पढ़ने जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं, और सब कुछ पढ़ के फायदा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने जितना देखा है, मैंने ये टॉपिक्स एक्यूमुलेट किए हैं, एंड ट्रस्ट मी इस पॉइंट पे अगर आप सिर्फ इतने टॉपिक्स भी अच्छे से कर पाओ तो काफी होगा आपकी जर्नी के लिए। ठीक है, अगेन मैंने एक प्लेलिस्ट एक्यूमुलेट की है जिसमें कुछ वीडियोज मेरे हैं और कुछ वीडियोज मैंने दूसरे चैनल से उठाए हैं, सो यहाँ पर देर इज अ चैनल कॉल 3 Blue 1 Brown, इट्स अ वेरी फेमस चैनल जहाँ पे आपको मैथ्स के वीडियोज मिलते हैं, आपको इस चैनल के वीडियोस देखने हैं, ट्रस्ट मी दीज वीडियोस आर लाइक गोल्ड। ठीक है, आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है ना एकदम क्लियर हो जाएगा ये वीडियोस देखने के बाद। ठीक है, तो पहले 2 वीडियोस आपको मेरे देखने हैं, उसके बाद यू हैव टू मूव इन टू द प्लेलिस्ट, और ये सारे वीडियोस आपको लाइन से देखने हैं, एंड गेस व्हाट, ये वीडियोस बहुत डेंस है, डेंस इन द सेंस कि 1 मिनट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट घुसाए हुए हैं, तो आपको ये वीडियोस मल्टीपल टाइम्स देखने पड़ेंगे, एंड दैट इज वाई इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, और मुझे लगता है ये पूरा टॉपिक कवर करने के लिए आपको 4 से 5 दिन लग सकता है। ठीक है, पूरे चीज को पकड़ने में। ठीक है, उसके बाद लास्ट एस्पेक्ट मैथ्स का, कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस भी बहुत यूज होता है मशीन लर्निंग में, स्पेशली ऑप्टिमाइजेशन के टाइम, जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज करते हो एक सॉल्यूशन के लिए, वहां पे बहुत यूज होता है कैलकुलस। सो अगेन एक प्लेलिस्ट है MIT का, हाइलाइट्स ऑफ कैलकुलस बोल के, ये शायद गिल्बर्ट स्ट्रैंग है, आई गेस, या हाँ ही इज गिल्बर्ट स्ट्रैंग, जो कि बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं, थे आई गेस MIT में, और इनके लेक्चर्स हैं, एंड ऑब्वियसली आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ है यहाँ पर, लाइक देर आर 18 लेक्चर्स, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको सबसे पहले इनका इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना है, थोड़ा आपको ओवरव्यू मिलेगा, उसके बाद आपको ये पढ़ना है बिग पिक्चर ऑफ कैलकुलस, ब्रिलियंट वीडियो जहाँ पे इन्होंने ज्योमेट्रिकली
चीजें ड्रॉ कर करके समझाया है कि कैलकुलस की जरूरत क्यों है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है बिग पिक्चर ऑफ डेरिवेटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, स्पेशली अगर आप स्क्रैच से एल्गोरिदम्स वगैरह लिखना चाहते हो, कोड करना चाहते हो, ये वीडियो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग देगा। उसके बाद मैक्स एंड मिन क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव का, ये चार वीडियोज आपको देखने हैं। उसके बाद आप चाहो तो बिग पिक्चर ऑफ इंटीग्रल्स देख सकते हो, अगेन आपका नॉलेज बढ़ेगा। और उसके बाद आपको ये दो वीडियोस देखने हैं, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशेंट रूल और चेन रूल इन कैलकुलस, ठीक है। इतने वीडियोस आप देख लो, और शायद एक वीडियो आप ये देख सकते हो लिमिट एंड कंटिन्यूअस फंक्शंस, इतने वीडियोस अगर आप देख लो दैट वुड बी सफिशियंट इस पॉइंट पे, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आप आगे पढ़ोगे जैसे कि एसवीएम वगैरह को सॉल्व करने में आपके कुछ डिफिकल्ट लेवल ऑफ कैलकुलस यूज होता है, बट अगेन इस पॉइंट पे आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जब आएगा तब देखा जाएगा, बट फॉर नाउ आप इतना कर लो आपके लिए काफी है, ठीक है। सो इतने में हमने ऑलरेडी हमें जितना मैथ्स चाहिए था वो कवर कर लिया, और ट्रस्ट मी आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है बट इतना पढ़ लिया है कि आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। सो गाइज अब वो चीज आ गई जिसका आपको इंतजार था। हम लोग सभी लोग जब मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक अर्ज होता है, एक चाहत होती है कि हमें सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जल्दी से जल्दी कवर करने हैं। एंड गेस व्हाट, वो टाइम आ चुका है, ठीक है। अब आपका काम है एक एक करके सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को पढ़ना, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखा है, वो सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का जो बहुत यूज होते हैं डेटा साइंस में। इसके अलावा और भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं बट मुझे लगता है इस पॉइंट पे उनको यूज करने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुअली आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और किसी प्रोजेक्ट में अगर आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम यूज करने की, तो फिर आप पढ़ लेना। बट इस पॉइंट पे जो सबसे यूजफुल, सबसे ज्यादा यूज होने वाले एल्गोरिदम्स हैं वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली सभी की तरह हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन से, ठीक है। ये मेरा एक प्लेलिस्ट है 6 वीडियोस का, और मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है। अगर आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको स्क्रैच से लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है वो समझ में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप चाहो ये वीडियोस देख करके आप उसको स्क्रैच से कोड भी कर सकते हो, मैंने इन वीडियोस में वो भी करके दिखाया है, ठीक है। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने बोथ फॉर सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन पढ़ाया है, और पॉलिनोमियल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने लास्ट में डिस्कस किया है सबसे आखिरी वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसको अगर आप एंड टू एंड देख लो तो फिर लीनियर रिग्रेशन में और कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज ग्रेडियंट डिसेंट। सो ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। इनफैक्ट जब आप डीप लर्निंग पढ़ोगे तो डीप लर्निंग में जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो भी इंटरनली ऑप्टिमाइज करने के लिए चीजों को दे यूज ग्रेडियंट डिसेंट अलॉट। सो दैट इज वाई ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को बहुत डराता है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, और इंटरव्यूज वगैरह में इसके इर्द गिर्द बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई मैंने इसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है जो कि 3 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, और ये तीनों वीडियोस बहुत डेंस हैं। डेंस मेरे लैंग्वेज में एक ऐसा वीडियो होता है जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स ठूसे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो वीडियोस हैं इनमें बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक स्पेशली जो पहला वीडियो है 2 घंटे का है, ठीक है। इट इज लाइक अ सेशन, जैसे आप कोई क्लासरूम में बैठ के सीखोगे उस तरह का है। और इसमें मैंने बहुत प्यार से ग्रेडियंट डिसेंट को एकदम क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें क्या होता है, उसके पीछे का मैथ्स क्या है, कोड कैसे करते हैं, एनिमेशंस वगैरह प्लॉट करके मैंने आपको ग्रेडियंट डिसेंट समझाने की कोशिश की है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछो ना कि मेरा फेवरेट वीडियो कौन सा है मेरे चैनल पे 700 वीडियोज में, आई वुड से दिस वन, ग्रेडियंट डिसेंट वाला जो वीडियो है, मुझे लगता है मैंने उसमें सबसे ज्यादा मेहनत की है और वो वीडियो सबसे अच्छा बना है। तो आपको एक बार ये वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आप भी ग्रेडियंट डिसेंट से परेशान होते हो। उसके बाद मैंने इसके 2 वेरिएंट्स, एक्चुअली 3 वेरिएंट्स होते हैं बट मैंने यहाँ पे नीचे 2 वेरिएंट्स बताए हैं, बैच और स्टोकेस्टिक। आई गेस एक वेरिएंट और है मैं यहाँ पे डालना भूल गया, मैं उसको ऐड कर दूंगा। देयर इज अ मिनी बैच
ग्रेडियंट डिसेंट ऑल्सो, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। वंस यू आर डन विथ दिस, तो आपको एक बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में पता चल चुका होगा जो आप आगे कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का, तो प्लीज इसको भूलना मत। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बेसिकली लीनियर रिग्रेशन इन क्लासिफिकेशन सेटअप। तो कुछ करना नहीं है आपको, बस इस प्लेलिस्ट पे जाना है। ये प्लेलिस्ट अगेन थोड़ी बड़ी है, इसमें 9 वीडियोस हैं, बट 9 वीडियोस इसलिए क्योंकि मैंने स्क्रैच से आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन डेवलप करना सिखाया है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विथ परसेप्ट्रॉन ट्रिक, उसमें क्या प्रॉब्लम है, सिग्मॉइड को इंट्रोड्यूस किया, सिग्मॉइड से क्या प्रॉब्लम है, फिर लॉस फंक्शन कैसे बना, फिर ग्रेडियंट डिसेंट कैसे अप्लाई हुआ, और लास्ट में अगर आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना है तो उसके लिए सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन यूज किया, पॉलीनोमियल फीचर्स कैसे लगाए जाते हैं वो भी दिखाया है, और उसके सारे हाइपर पैरामीटर्स भी डिस्कस किए हैं। तो दैट इज वाई ये प्लेलिस्ट थोड़ा बड़ा है, एंड इट माइट टेक लाइक 1 वीक टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग, बट अगर कर लो तो फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। थर्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जिसको समझने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ठीक है। SVM बहुत ही एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, इन द सेंस रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तो इसको सीखना तो जरूरी है। अगेन यहाँ पे मैंने 7 वीडियोज डाले हैं, और SVM के मैथ्स में मैं गया हूँ, ऑल दो सब कुछ कवर्ड नहीं है, क्योंकि सब कुछ कवर करना इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, सेकेंड नॉट सो नेसेसरी, उतनी जरूरत भी नहीं है, स्पेशली इफ यू आर स्टार्टिंग। आपको ओवरव्यू आना चाहिए, थोड़ा बहुत मैथ समझ में आना चाहिए कि चीजें कैसे काम कर रही है, एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज सफिशियंट राइट नाउ, ठीक है। तो आपको SVM कवर करना है यूजिंग माई प्लेलिस्ट, जिसमें 7 वीडियोज हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ इजी एल्गोरिदम्स की तरफ बढ़ेंगे, जिनको मैं बहुत आई लाइक देम बिकॉज इजी है, छोटे से पर्पस के लिए यूज होते हैं और झट से समझ में आ जाते हैं, जैसे कि नाइव बेस, ठीक है। नाइव बेस एक ऐसा एल्गोरिदम है जो टेक्सचुअल डेटा के साथ बहुत यूज होता है, जैसे अगर आप ईमेल स्पैम क्लासिफायर बना रहे हो तो उस तरह के प्रोजेक्ट में आप नाइव बेस यूज करोगे, और बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है, प्रोबेबिलिटीज पे बेस्ड है, और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी के जो आपने ऊपर सीख ही लिया है। और उसके बाद मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दे करके आपको नाइव बेस समझाया है इस प्लेलिस्ट में। देर आर 12 वीडियोज, बट ये सारे छोटे छोटे वीडियोज हैं, हार्डली आपको 2 से 3 दिन लगेगा इस प्लेलिस्ट को कवर करने में। लास्ट में मैंने आपको एक बड़ा एग्जाम्पल दे करके भी नाइव बेस समझाया है, मूवी रिव्यू सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है वो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एल्गोरिदम है। उसके बाद जो अगला एल्गोरिदम है वो शायद मशीन लर्निंग का सबसे सिंपल एल्गोरिदम है, इसका नाम है KNN, के नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर्स मतलब आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ऐसा एल्गोरिदम है, बट उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, और उसका एग्जाम्पल वगैरह डिस्कस करने में ये 8 वीडियोस का प्लेलिस्ट बन गया, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट विल हार्डली टेक 2 डेज फॉर यू टू कवर दिस प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। के नियरेस्ट नेबर्स बहुत यूजफुल होते हैं बाय द वे, मतलब बहुत जगहों पे यूज होता है, और दैट इज वाई इट इज वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स जो सीखने में उतना डिफिकल्ट नहीं है बट यूजफुल बहुत ज्यादा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, सो प्लीज डू कवर दिस वन। द नेक्स्ट वन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, इट्स कॉल्ड डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज 2 रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद बहुत यूज होते हैं, सेकेंड आगे जब आप बूस्टिंग और बैगिंग जैसी टेक्निक्स पढ़ोगे जो अगेन बहुत यूजफुल है, उनको बनाने के लिए डिसीजन ट्रीज यूज होते हैं। तो डिसीजन ट्री अगर आपको नहीं आता है तो आप बैगिंग बूस्टिंग भी नहीं समझ सकते, तो ये आपका फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल एल्गोरिदम है, इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक एंट्रोपी क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, जीन इंप्योरिटी क्या होता है, उसके बाद किस तरीके से हम उनको यूज करके डिसीजन ट्री एल्गोरिदम बनाते हैं, डिसीजन ट्री जब बन जाता है तो उसको विजुलाइज कैसे करना है, बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं, क्या होता है उनका मतलब, और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कराए हैं मैंने ऑल्सो। इट इज वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स जो रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, तो रिग्रेशन ट्रीज मैंने भी आपको आगे बताया है,
और रिग्रेशन ट्री के जो हाइपर पैरामीटर्स है वो भी आपको बताया। अभी तक की सबसे लंबी प्लेलिस्ट है 13 वीडियोस की, बट वीडियोस उतने बड़े नहीं है, शॉर्ट है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपको बैठ के झट से झट कवर करने हैं अच्छे तरीके से। अगला जो एल्गोरिदम है वो है रैंडम फॉरेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। मतलब ये ऐसा एल्गोरिदम है कि आपको कोई भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम दिया जाए, आप बिना सोचे सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करके देख सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स सबसे बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, ज्यादा हाइपर पैरामीटर ट्यून करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे अप्लाई करो रिजल्ट निकालो, वैसा एल्गोरिदम है। तो ये डिसीजन ट्री के ऊपर बेस्ड है और थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स लगेंगे प्रोबेबिलिटीज के, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो सबसे पहले मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में पढ़ाया है कि ऑनसॉम्बल लर्निंग क्या होता है। ऑनसॉम्बल लर्निंग यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी आपको दिख रहा होगा, एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे आप मल्टीपल एल्गोरिदम्स को मिलाते हो और एक बड़ा एल्गोरिदम बनाते हो। तो उसमें 3-4 टेक्निक्स होती है, वोटिंग, ऑनसॉम्बल, बैगिंग, बूस्टिंग, स्टैकिंग, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग रैंडम फॉरेस्ट में घुस गए, इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों होता है, बैगिंग वर्सेस रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट के हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं, ओबी स्कोर क्या होता है, फीचर इंपॉर्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है रैंडम फॉरेस्ट में। बहुत ही टेक्निकल है पूरा प्लेलिस्ट, बट एक बार अगर आप ये सारी वीडियोज देख लो आपको रैंडम फॉरेस्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बैगिंग। बैगिंग इनफैक्ट बैगिंग और रैंडम फॉरेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। तो बस 3 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, छोटा सा प्यारा सा प्लेलिस्ट, जहाँ पे मैंने आपको बैगिंग सिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैगिंग की जरूरत क्यों है ये सब बताया है, फिर बैगिंग का पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो बताया है, और फिर क्लासिफिकेशन सेटअप में कैसे काम करता है, रिग्रेशन सेटअप में कैसे काम करता है वो मैंने सिखाया है। एंड दैट इज वाई इट्स अ स्मॉल प्लेलिस्ट, ये पढ़ लो और रैंडम फॉरेस्ट पढ़ लो, आपको बैगिंग समझ में आ गया। ठीक है, और एक बार जब आप ये कवर कर लो उसके बाद हम मूव कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स में, जिनको बूस्टिंग बोला जाता है। सो विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट बूस्टिंग एल्गोरिदम, एडा बूस्ट। एक्चुअली सिंपलेस्ट है नहीं मतलब सारे बूस्टिंग एल्गोरिदम्स थोड़े डिफिकल्ट है समझने में, बट एडा बूस्ट से स्टार्ट करना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये सबसे सिंपल है बाकियों के कंपेरिजन में। और यहाँ पर 5 वीडियोस में आई हैव एक्सप्लेन्ड कि एडा बूस्ट कैसे काम करता है। इनफैक्ट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कोड चला के यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि एडा बूस्ट काम कैसे करता है, कोड फ्रॉम स्क्रैच भी दिखाया है, उसके हाइपर पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं, और लास्ट में हमने एक और वीडियो डाला है कि बैगिंग वर्सेस बूस्टिंग। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर कोई से पूछा जाता है कि बताओ भैया बैगिंग और बूस्टिंग में क्या डिफरेंस है। सिंस हमने हम बैगिंग भी पढ़ लिया है, थोड़ा सा बूस्टिंग भी पढ़ लिया, तो मुझे लगा ये वीडियो यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 वीडियोज में एक्चुअली आप एडा बूस्ट पढ़ोगे एंड दैट्स इट। ठीक है, वंस यू आर डन विद एडा बूस्ट यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बूस्टिंग एल्गोरिदम, दैट इज ग्रेडियंट बूस्टिंग। सो अगेन ग्रेडियंट बूस्टिंग इज अ वेरी वेरी पावरफुल बूस्टिंग एल्गोरिदम। इसको थोड़ा सा अगर आप सही से ट्यून कर लो ना तो आपको हर तरह के प्रॉब्लम पे अच्छा रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पर मैंने आपको 2 वीडियोस में समझाया है कि ग्रेडियंट बूस्टिंग कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉमन इंट्यूशन इस पूरे एल्गोरिदम का, और उसके बाद रिग्रेशन सेटिंग में कैसे काम करता है। यहाँ पर एक वीडियो मिसिंग है कि क्लासिफिकेशन सेटिंग में ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है, बट वो मैं डाल दूंगा जब तक आप स्टार्ट करोगे ये प्लेलिस्ट, मैं विद इन 10-15 डेज इसका वो वाला पार्ट ऐड कर दूंगा इस प्लेलिस्ट में, सो यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, एंड वंस यू आर डन विद ग्रेडियंट बूस्टिंग, नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू द मोस्ट पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एवर। अभी तक का जो सबसे पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, कभी भी आप किसी मशीन लर्निंग इंजीनियर से पूछोगे कि भैया आपने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, देर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि वो बोलेगा हमने भैया पीछे एक्सजी बूस्ट लगा रखा है। ठीक है, इट इज वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स जो इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रहा है। कैगल पे इनफैक्ट बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन्स जो जीतते हैं वो भी एक्सजी बूस्ट यूज करके जीतते हैं। तो ये दिस एल्गोरिदम इज अ सुपरस्टार। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेरे चैनल पे इसके वीडियोस नहीं है, और मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप इसका वीडियो बनाओ, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा इसको शूट करने का। बट गेस व्हाट, मेरे पास 2 वीडियोस हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये 2 वीडियोस एक्चुअली मेरे क्लासरूम सेशंस है, जो मैं पेड क्लासेस जब कराता था तो वहां पे मैंने पढ़ाया था, एंड आई थॉट कि चलो यार अब मैं वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें 2 वीडियोस हैं,
एक एक घंटे के, और अगर आप इनको देखोगे तो आपको एक्स जी बूस्ट का जो बेसिक्स है पूरा वो समझ में आ जाएगा। एक वीडियो मुझे और इसमें शूट करना है कि एक्स जी बूस्ट को एक प्रॉब्लम के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, वो मैं फ्यूचर में करके डाल दूंगा यहाँ पे। बट फॉर नाउ आप अगर स्टार्ट करना चाहो मेरे चैनल से एक्स जी बूस्ट पढ़ना, तो ये दो वीडियोस आप देख लो जहाँ पे मैंने कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है एक्स जी बूस्ट। ठीक है, तो एक्स जी बूस्ट हो गया हमारा। और आपको जितने भी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन एल्गोरिदम्स पढ़ने थे वो हमने यहाँ तक कवर कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग वाले एल्गोरिदम्स आते हैं। सो सबसे पहले आपको पढ़ना है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक ऐसा एल्गोरिदम है जो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए यूज होता है या फिर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो आइडिया इज वेरी सिंपल कि आप हाई डायमेंशन डेटा सेट्स को लो डायमेंशन में लेके आते हो यूजिंग पीसीए। बहुत काम की चीज है, और इन चार वीडियोज में मैंने आपको पीसीए पूरा एंड टू एंड पढ़ाया है। और ऑनेस्टली पीसीए का जो मैथ्स है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा अंदर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं लीनियर एलजेब्रा के, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स वगैरह यूज होते हैं, बट वो आपने पहले पढ़ लिए हैं तो थोड़ा इजी लगेगा। बट इट इज वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स लाइक एसवीएम जिसका मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने ट्राई किया है डीप में जाकर के सब कुछ पढ़ाने का, बट अगेन कितना समझ में आता है वो डिपेंड करता है। हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम्स ये प्लेलिस्ट देखना पड़ जाए। ठीक है, बट अगेन इट इज वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स विच इज वेरी ओल्ड एंड वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट कवर करना है। नेक्स्ट हम लोग क्लस्टरिंग की तरफ मूव करेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टरिंग एल्गोरिदम कॉल्ड के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, सो दिस इज द एल्गोरिदम के मीन्स क्लस्टरिंग। और क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है बेसिकली डेटा को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। और तीन वीडियोस में मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिदम का इंट्यूशन दिया है, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको स्क्रैच से कोड करना सिखाया है, थर्ड वीडियो में एक डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करके दिखाया है। के मीन्स के कुछ वेरिएशंस वगैरह होते हैं, अगर कभी प्रॉब्लम आए के मीन्स में तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देर आर सम वेरिएशंस। वो इस प्लेलिस्ट में अभी एडेड नहीं है, बट अगेन आई थिंक अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो इस पॉइंट पे, इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टडी एवरीथिंग। फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, बट स्टिल मैं अपडेट करता रहूंगा इस प्लेलिस्ट को टाइम टू टाइम। ओके, सो या के मीन्स हो गया आपका। के मीन्स के बाद आपको हायरार्किकल क्लस्टरिंग पढ़ना है, विच इज अगेन अ वेरिएशन ऑफ क्लस्टरिंग। सिर्फ एक वीडियो है बट काफी है। ये वीडियो में मैंने आपको पूरा एंड टू एंड सब कुछ समझा दिया है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग काम कैसे करता है, के मीन्स के बदले इसको यूज कब करना चाहिए, और इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन क्या है, एक डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करके भी दिखाया है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सब कुछ इस एक वीडियो में कवर्ड है। आप इतना देखो, आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इज डीबी स्कैन, विच इज अगेन अ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक भी वीडियो नहीं है इसका, बट आई एम रीडायरेक्टिंग यू टू दिस चैनल स्टार्ट क्वेस्ट, विच इज एन ऑसम रिसोर्स। और ये वीडियो मैंने खुद फॉलो किया है कई बारी, और ये बहुत बढ़िया वीडियो है। 9 मिनट्स में एनिमेशन के थ्रू इस बंदे ने आपको सब कुछ समझा दिया है रिगार्डिंग डीबी स्कैन। तो आप ये देख लो, आपको काफी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट एल्गोरिदम इज टीस्नी। ठीक है, विच इज अगेन एल्गोरिदम लाइक पीसीए जिसका काम है हाई डायमेंशनल डेटा को लो डायमेंशन में लेके आना और विजुअलाइजेशन वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, टीस्नी मैंने शायद कभी अपने चैनल पे यूज भी किया है इसको। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था गेम ऑफ थ्रोन्स कैरेक्टर्स के ऊपर, तो वहां पे मैंने टीस्नी यूज करके दिखाया था। तो आप ये वीडियो अगर देखोगे, अगेन स्टार्ट क्वेस्ट चैनल का है और बहुत बढ़िया वीडियो है, लाइक 11 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई किया विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन एंड ऑल। सो इट इज अ गुड वीडियो, इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एक बार देख लो। और मैं एक और ब्लॉग ऐड कर दूंगा यहाँ पर, जो मैंने पढ़ा है कभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इट इज अ ग्रेट ब्लॉग, आई गेस डिस्टिल बोल के एक ब्लॉग है, लेट्स सी। हाँ, हाउ टू यूज टीस्नी इफेक्टिवली। यहाँ पर बहुत बढ़िया इन्होंने टूल्स वगैरह दिए, जहाँ पे आप ऑन स्क्रीन जा करके पैरामीटर्स वगैरह एडजस्ट करके यू कैन सी द आउटपुट एंड ऑल। तो ये एक बहुत बढ़िया ब्लॉग है, इसको मैं अभी ऐड कर दूंगा इस प्लेलिस्ट में, सो दैट आप इसको रीड कर पाओ जब आप टीस्ने पढ़ो। ठीक है, तो इतना काफी है टीस्ने के लिए, एंड दैट्स इट गाइस। आपको इतना ही पढ़ना है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ही पढ़ना है बोलना गलत होगा, क्योंकि ये काफी चीजें हैं। इस पूरी चीज को कवर करने में मुझे लगता है आपको 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, दैट टू अगर आप डेली 4 4 घंटे अप्लाई करो। और
इनमें से कुछ चीजें डिफिकल्ट हैं, लाइक सच में डिफिकल्ट हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल आइट्रेशंस लेने पड़े, आपको मल्टीपल टाइम्स वो वीडियोस देखने पड़े, अपने नोट्स बनाने पड़े या देखना पड़े, लोगों के साथ डिस्कस करना हो. सो लाइक इट इज डिफिकल्ट, मतलब ऑनेस्टली. तो यू हैव टू बी लाइक ऑन योर टोज पूरे टाइम, कुछ भी चीज आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज मशीन लर्निंग. ठीक है, यही है मशीन लर्निंग, दीज एल्गोरिदम्स आर मशीन लर्निंग. तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा अटेंटिव होना है. ठीक है, एंड अगर आपने ये कर लिया तो नाउ यू आर लाइक 50% रेडी आगे की चीजों के लिए. सो गाइज, अब आपने सारे के सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए और आप एक बहुत अच्छे मेंटल स्पेस में हो कि यार ओके, मुझे चीजें आ गई. बट गेस व्हाट, कुछ चीजें अभी आपको और जाननी बाकी है, और उनमें से पहली चीज है मशीन लर्निंग मेट्रिक्स. सो होता क्या है कि आप जब भी मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करते हो किसी डेटा पे, तो आपको उसके बाद पता होना चाहिए कि आपके मॉडल ने कैसा परफॉर्म किया, आपके एल्गोरिदम ने कैसा परफॉर्म किया. और वो पता करने का तरीका है मशीन लर्निंग मैट्रिक्स. ठीक है, रिग्रेशन के लिए अलग है और क्लासिफिकेशन के लिए अलग है. सो यहाँ पे मैंने इन तीन वीडियोस में आपको सारे के सारे जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स हैं बहुत ध्यान से पढ़ाए हैं. और एक बार अगर आप ये सारी वीडियोस देख लो, एटलीस्ट एक बार देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या होता है. और शायद दो बार देख लो तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, बिकॉज कुछ मैट्रिक्स थोड़े ऐसे कंफ्यूजिंग है और डिफिकल्ट है. ठीक है, एक बार आप मैट्रिक्स पढ़ लो, उसके बाद आपको मूव करना है सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट्स कॉल्ड बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ. सो सिर्फ एल्गोरिदम्स को जानना और उसको यूज करना सफिशिएंट नहीं है, एल्गोरिदम को यूज करने पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो. ठीक है, सिर्फ 8 मिनट का है, बट इस 8 मिनट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे जो आपको आगे भी परेशान कर सकता है. सो यू हैव टू बी लाइक इसको एक बार देखना पड़ेगा आपको. ठीक है, यहाँ पर आप एक दो कॉन्सेप्ट्स और पढ़ोगे, ओवर फिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग क्या होता है, बायस और वेरियंस क्या होता है, उन दोनों के बीच का ट्रेड ऑफ क्या है, और उसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी आप पढ़ोगे. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सिर्फ 8 मिनट का है, बट मैं इसको बोलूंगा मल्टीपल टाइम्स देखने, क्योंकि इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कोई भी एल्गोरिदम आप यूज करो वहां पे आ जाता है. ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है. उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रेगुलराइजेशन, विच इज अ वे टू एलिमिनेट ओवरफिटिंग, जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा. बट दिस रेगुलराइजेशन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीनियर मॉडल्स, लाइक लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन. इनफैक्ट अगर आप डीप लर्निंग में मूव कर रहे हो, वहां भी आपको रेगुलराइजेशन मिलेगा. ठीक है, तो इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो बहुत अच्छे से नहीं समझाया हुआ है यूट्यूब पर. सो आप अगर ये वीडियोस देखोगे, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से व्हाइट बोर्ड यूज करके और कोड्स यूज करके समझाने का ट्राई किया है कि व्हाट इज रेगुलराइजेशन. तीन अलग टाइप के रेगुलराइजेशन हमने डिस्कस किए हैं, लासो, रिज और इलास्टिक नेट, और तीनों बहुत डिटेल में डिस्कस्ड हैं. इनफैक्ट ये वीडियो अभी मुझे याद आ रहा है, बहुत ही दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इट वॉज वेन मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था और मेरे पास शेव करने के और बाल कटाने के भी पैसे नहीं थे. जस्ट किडिंग, बट या दीज वीडियोज आर रियली गुड, यू शुड वॉच देम. ओके, एंड द लास्ट वन इज क्रॉस वैलिडेशन. सो जब आप मॉडल अप्लाई कर देते हो, तो आपको मैट्रिक्स अप्लाई करने होते हैं, तो फाइंड आउट कि आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है. और वो मैट्रिक्स अप्लाई करने के पहले आपको क्रॉस वैलिडेशन करना होता है, अपने ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को अलग करना होता है. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है, और देख लोगे तो कुछ ऐसा सीख जाओगे जो आपको हमेशा काम आने वाला है. ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए. एंड वंस यू आर डन विद दिस, यू आर डन विद लेवल 2. सो दैट वॉज लेवल नंबर 2 गाइज. आई होप आपने इस पूरे लेवल में बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया, आपने वो सारी चीजें पढ़ी जो एक डेटा साइंटिस्ट को आनी चाहिए, आपने पहली बार मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कवर किए. आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा. बट गेस वॉट, द प्रॉब्लम इज कि ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे जब आप कंपनी में काम करोगे, क्योंकि मशीन लर्निंग में सिर्फ थ्योरी ही नहीं होता, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होता है. ठीक है, सो जब तक आप उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डिस्कवर नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते, तब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाओगे.
सो लेवल नंबर 3 में मेरा आइडिया ये रहेगा कि मैं आपको वो सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स से इंट्रोड्यूस कराऊं जो आपको डे टू डे लाइफ में मिलेंगे जब आप एक डेटा साइंटिस्ट की तरह काम करोगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और मोस्टली आपको यहाँ पे कोड्स वगैरह रन करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम टॉपिक्स सीखेंगे लाइक फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सेलेक्शन, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, एनकोडिंग कैसे किया जाता है कॉलम्स का, ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। इन टोटल देर आर मोर देन 18 टॉपिक्स। इनफैक्ट वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू डिप्लॉय एंड सर्व आर मॉडल ऑन टू अ सर्वर। ठीक है, तो जो भी है बहुत मज़ेदार है, अभी तक का शायद सबसे हैवी टॉपिक होगा, बट इसको करने के बाद आप ट्रूएस्ट सेंस में डेटा साइंटिस्ट जैसा फील करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेवल नंबर 3। सो गाइस चलो लेट्स स्टार्ट विथ लेवल 3, लर्न प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, मतलब आप डे टू डे लाइफ में जब डेटा साइंटिस्ट बन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो हम इस लेवल पे सीखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, द गोल ऑफ दिस लेवल इज टू गेट यू इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ मशीन लर्निंग। व्हाट यू लर्न एट दिस लेवल वुड रियली हेल्प यू आउट देयर इन द वाइल्ड। ठीक है, सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं एक्चुअली यहाँ पे, इन टोटल 18 टॉपिक्स विल डिस्कस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डेटा एक्विजिशन। सो मशीन लर्निंग में जब आप सीख रहे होगे ना तो ज्यादातर डेटा आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, कैगल के ऊपर या फिर किसी वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, बट जब आप एक्चुअल मशीन लर्निंग करोगे किसी कंपनी में, वहां पर यू वुड नोटिस कि डेटा उतनी ईजिली अवेलेबल होता नहीं। ठीक है, तो डेटा को लाना भी बहुत जुगाड़ू काम है, और उसी में से दो जुगाड़ आपको अभी सीखने चाहिए। पहला है वेब स्क्रैपिंग, मतलब डेटा किसी और की वेबसाइट के ऊपर है और उस वेबसाइट का एक्सेस नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं वेब स्क्रैपिंग करूंगा। मैं पाइथन को यूज करके उस वेब पेज का HTML को खोज खोज के उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालूंगा, दैट इज वेब स्क्रैपिंग। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, दिस इज द वीडियो जहाँ पे मैंने, ये जो कंपनी है एम्बिशन बॉक्स, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज का डिटेल है, इस वेब पेज से सारी कंपनीज के डिटेल को उठा करके पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। ठीक है, सो 37 मिनट्स का वीडियो है और ये टास्क मैंने आपको करके दिखाया है, तो ये आपको देखना है। और साथ ही साथ आपको एक टास्क मैंने दिया है कि जब आप ये सीख लो तो यू हैव टू क्रिएट अ पैंडास डेटा फ्रेम ऑफ इंडियन क्यूजीन्स फ्रॉम सम वेबसाइट यूजिंग वेब स्क्रैपिंग। आपको अपना खुद का एक डेटा सेट बनाना है इंडियन क्यूजीन्स का। सो बहुत सारी आपने ये रेसिपी वाली वेबसाइट्स देखी होंगी, उन पे जाना है आपको और वहां पे वेब स्क्रैपिंग करना है और डेटा क्रिएट करना है। ठीक है, सेकेंड, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी दूसरे की API से डेटा लाना हो, ऐसा भी पॉसिबल है, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया था, फेचिंग डेटा फ्रॉम एन API। तो ये एक वेबसाइट है TMDB, इनका एक API है, हम उस API से मूवीज का डेटा फेच करके खुद का एक पैंडास डेटा फ्रेम बना रहे हैं इस वीडियो में। अगेन छोटा सा वीडियो है, एक बार देख लोगे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इट्स बेसिकली यूसेज ऑफ अ लाइब्रेरी कॉल्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, उसको यूज करके आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने एक टास्क दे दिया है आपको, यू हैव टू जस्ट रिक्रिएट द सेम थिंग जो आपने वीडियो में देखा है, उसको आपको करके देखना है। सो ये दो टास्क अगर आप कर लो इन दोनों वीडियोज के साथ, तो मुझे लगता है कि आप समझ जाओगे कि डेटा एक्वायर कैसे करना है इन दो मीडियम्स के थ्रू। ठीक है, नाउ वंस यू आर डन विथ दिस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग। सो इट्स वर्किंग विथ मिसिंग वैल्यूज। सो मशीन लर्निंग में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप बिगिनर हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में अगर आप कचड़ा डालोगे तो आपको कचड़ा ही मिलेगा एज अ रिजल्ट। ये एक बहुत फेमस कहावत है मशीन लर्निंग में, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालोगे कचरा मिलेगा। सो यू हैव टू बी अल्ट्रा केयरफुल जब आप मशीन लर्निंग में डेटा भेजो, एल्गोरिदम में डेटा भेजो, तो वो डेटा सही होना चाहिए। ठीक है, अब सही होने का क्या मतलब है कि बहुत तरह के गड़बड़ होने के चांसेस हैं, उसमें से पहला जो गड़बड़ है वो ये हो सकता है कि आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज है। एंड गेस व्हाट, आपके ज्यादातर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स मिसिंग वैल्यू वाले डेटा सेट को उसके ऊपर काम करने से ही रिजेक्ट कर देंगे, दे विल नॉट परफॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और शुरू में हर डेटा साइंटिस्ट को सीखने को बोला जाता है
कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं और उसको कैसे सॉल्व करोगे या उसको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, मैंने वो सारे टेक्निक्स के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। सबसे पहला टेक्निक होता है कंप्लीट केस एनालिसिस, सो दिस इज द वीडियो। कंप्लीट केस एनालिसिस का मतलब है कि आप उन रोज को हटा देते हो जहां पे मिसिंग वैल्यूज हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट कब उसको अप्लाई करना है ये बहुत ट्रिकी पार्ट है, और यही मैंने समझाया है इस 24 मिनट के वीडियो में। ठीक है, अगली चीज है हैंडलिंग मिसिंग न्यूमेरिकल डेटा। सो अब जो मिसिंग डेटा है वो न्यूमेरिकल कॉलम में भी हो सकता है, कैटेगोरिकल कॉलम में भी हो सकता है। तो अगर न्यूमेरिकल कॉलम में है तो आपको क्या करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, अगेन थोड़ा बड़ा वीडियो है बट सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। उसके बाद थर्ड है कि अगर कैटेगोरिकल कॉलम में डेटा मिसिंग है तो क्या करना है, विच इज अगेन दिस वीडियो। ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं पिछले वाले वीडियो के, इसलिए दैट इज वाई दिस वीडियो इज स्मॉलर। और नेक्स्ट इज मिसिंग इंडिकेटर। कभी कभी आप क्या करते हो, बस एक वैल्यू ऐड कर देते हो उस रो के सामने जहां पर डेटा मिसिंग होता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है मिसिंग इंडिकेटर, और वो मैंने इस वीडियो में समझाया है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट इज वाई वीडियो थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट के एन एन इम्प्यूटर। सो आप मिसिंग वैल्यूज को सिर्फ हटाते नहीं हो, कभी कभी आप प्रिडिक्ट भी करते हो। तो प्रिडिक्ट करने का एक तरीका है कि आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से प्रिडिक्ट करो कि वहां पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग कॉल्ड के एन एन इम्प्यूटर, जहां पे हम के नियरेस्ट नेबर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करके मिसिंग वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी स्टाइलिश टेक्निक आई वुड से। तो ये आपको आना चाहिए, एंड दिस इज मल्टी वेरिएट इम्प्यूटेशन इन द सेंस कि आप एक साथ मल्टीपल कॉलम्स की मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एंड द लास्ट वन इज माइस। सो माइस एक बहुत एडवांस टेक्निक है, बिल्कुल लास्ट के एन एन इम्प्यूटर की तरह। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी वेरिएट इम्प्यूटेशन बाय चेंड इक्वेशंस। ठीक है, तो ये भी बहुत काइंड ऑफ इन डेप्थ वीडियो है जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक मैंने आपको समझाया है। जितना मुझे याद है इसका प्रैक्टिकल मैंने अभी तक शायद नहीं डाला है अपने चैनल पे, वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, बट ये भी टेक्निक आपको सीखनी है। लास्टली, सिंस मुझे ये लगा कि ये जो पूरा टॉपिक है मिसिंग डेटा को प्रिडिक्ट करना या मतलब हैंडल करना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा टॉपिक है, तो दैट इज वाई मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए कुछ कैगल नोटबुक्स खोजी। मतलब ओवर द ईयर्स ऑलरेडी मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन हो चुका है कैगल नोटबुक्स का, तो ये कुछ कैगल नोटबुक्स हैं जिनको अगर आप एंड टू एंड पढ़ो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक कलेक्शन ऑफ कैगल नोटबुक्स हैं जहां पर जो ऑथर है उसने किसी एक डेटा सेट को पकड़ के उसके अंदर की मिसिंग वैल्यूज को हटाना या प्रिडिक्ट करना सिखाया है। और ये सारी नोटबुक्स बहुत शानदार है, मतलब अगर आप इनको एंड टू एंड मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो, कॉपी करते हो, तो आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। तो देर आर इन टोटल 15 नोटबुक्स, इंक्लूडिंग अ नोटबुक ऑन टाइम सीरीज डेटा। मतलब अगर टाइम सीरीज डेटा में मिसिंग वैल्यूज है तो क्या करना है। सो ये 15 नोटबुक्स अगर आप एक बार पढ़ लो या शायद मल्टीपल टाइम्स पढ़ लो तो फिर आपका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, एंड दैट इज वाई लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए कुछ डेटा सेट्स का कलेक्शन क्रिएट किया है, और ये डेटा सेट्स के ऊपर आपको खुद से जो भी आपने सीखा अभी तक एक बार उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपका नॉलेज है, वो थोड़ा कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया ऑफ दिस एंटायर नोटबुक। ठीक है, सो या नेक्स्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है फीचर स्केलिंग या फिर फीचर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको झट से समझा देता हूँ, फिर आप ये वीडियोस देखना। कभी कभी क्या होगा मशीन लर्निंग में कि आपके पास जो डेटा होगा उसमें ऐसे कॉलम्स होंगे जिनका स्केल बहुत अलग होगा। स्केल बहुत अलग होने का मतलब है, जैसे ये एग्जाम्पल लो, एज और सैलरी। सो एज क्या होगा, 0 से लेके 100 के रेंज में, बट सैलरी का रेंज मतलब पता नहीं यार, 10,000 से लेके 1 करोड़ तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को प्रॉब्लम होगी अगर आप डिफरेंट स्केल में कॉलम्स को रखो, जैसे कि के एन एन जो कि डिस्टेंस पे काम करता है, तो अगर आप डिस्टेंस निकालने जाओगे तो फिर ये ज्यादा डोमिनेट करने लग जाएगा, बिकॉज ये बड़ा नंबर है और ये बेचारा छुप जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, इन दोनों के दोनों कॉलम्स को सेम स्केल पे लेके आना होता है। ठीक है, और वही करने के लिए दो टेक्निक्स आपको पढ़नी है, एक है स्टैंडर्डाइजेशन
और एक है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? दोनों में से कौन सी चीज कब यूज करनी है सब कुछ मैंने दो वीडियोस में बताया है। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जहां पे स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, और फिर ये सेकेंड वीडियो है जहां पे मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाया है, और ये सब कुछ कुछ टाइप की स्केलिंग आपने इस वीडियो में सीखनी है, ठीक है? मिन मैक्स स्केलिंग, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलिंग, रोबस्ट स्केलिंग, ये तीनों कब यूज करना चाहिए, ये सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, ठीक है? सो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कुछ एल्गोरिदम्स के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी के एल्गोरिदम्स को फर्क नहीं पड़ता है, तो शायद वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज ना हो। बट अगर आप ऐसा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, लेट्स से लीनियर रिग्रेशन एक ऐसा एल्गोरिदम है, उसको अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? सो दैट इज वाई मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है फीचर एनकोडिंग टेक्निक्स। सो होता क्या है कि आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा हैंडल कर सकते हैं, कैटेगोरिकल डेटा वो एज इन स्ट्रिंग डेटा वो हैंडल नहीं कर सकते। लेट्स से आपके पास एक डेटा है जिसमें सिटी बोल के कॉलम है, और सिटी में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली ऐसे करके सिटीज हैं, तो अब आप उसको डायरेक्टली नहीं भेज सकते मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, क्योंकि दोज आर नॉट नंबर्स। तो ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पर आप यही सीखोगे कि आपके पास अगर इस तरह का कैटेगोरिकल डेटा है तो आप उसको कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करते हो। प्रिसाइजली आप दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखोगे, एक होता है ऑर्डिनल इनकोडिंग और दूसरा होता है वन हॉट इनकोडिंग। यहाँ पे ये रहा फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने आपको ऑर्डिनल इनकोडिंग सिखाया है, और उसी का एक वेरिएंट होता है लेबल इनकोडिंग, जो आप टारगेट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हो, नथिंग स्पेशल, बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड वन हॉट इनकोडिंग। सो कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, साइकिट लर्न जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें आप कैसे यूज करते हो वन हॉट इनकोडिंग, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर्ड है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस, ये वीडियो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है? सो मैंने अलग से इसको लेबल कर दिया। और उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी आती है कि अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे मान लो सिटी बोल के एक कॉलम है तो सिटी तो बहुत सारा हो सकता है, तो देर आर सो मेनी कैटेगरीज, राइट? तो हाई कार्डिनैलिटी वाले डेटा को कैसे हैंडल करना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मशीन लर्निंग में, और ये इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है। सो दैट इज वाई मैंने आपको रीडायरेक्ट कर दिया है, ये एक कैगल डिस्कशन है जहाँ पे किसी ने ये सेम क्वेश्चन पूछा है, और बहुत सही लोगों ने बहुत सही आंसर्स किए हैं, एंड आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एंटायर डिस्कशन बिकॉज आपको इससे काफी समझ में आएगा, ठीक है? और उसके बाद आई वॉन्ट यू टू गो टू दिस ब्लॉग जहां पर एक टेक्निक पढ़ाया गया है फीचर हैशिंग बोल के, जो एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है? तो ये पूरी चीज करने में आई गेस आपको मिसिंग वैल्यूज वाले में 3 दिन लगेगा मेरे हिसाब से, नॉर्मलाइजेशन वाले में 2 दिन लगेगा, और फीचर एनकोडिंग टेक्निक भी पढ़ने में आपको 2 दिन ही लगेगा। सो जस्ट मेक श्योर आप ये पूरी चीज कवर कर लो। सो गाइज नेक्स्ट चीज जो आपको पढ़नी है वो है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? बाय द वे अभी तक हम कई बार फीचर वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर आप नए हो तो शायद आपको पता नहीं होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। फीचर का मतलब होता है आपके डेटा सेट का एक कॉलम, ठीक है? तो उसी को फीचर बोला जाता है, इसलिए हम लोग बार बार फीचर वर्ड यूज कर रहे हैं। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग लाइक अ मैजिक, ठीक है? सो मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था बहुत हेल्पफुल था। होता क्या है कि आप अपने फीचर्स के ऊपर कभी कभी सिनेरियो बेस्ड कुछ मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हो। जैसे मान लो आपके पास एज है, ठीक है? एज इज ए न्यूमेरिकल कॉलम, और आप एज को एल्गोरिदम में देने के पहले क्या कर रहे हो, उसके ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्म लगा दे रहे हो। बेसिकली एज की सारी वैल्यूज को लॉग में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ठीक है? क्यों करोगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिदम ऑब्वियसली, आपके फीचर्स को अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म देते हो तो रिजल्ट इंप्रूव कर जाता है। मैंने कई बार देखा है कि लेट्स से मेरा एक्यूरेसी फंसा हुआ है 85% पे, और मैंने फिर कोई ट्रांसफॉर्म मारा और वो सडनली से 88-89 चला गया, ठीक है? तो ये एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा यूज नहीं करते हो ऑब्वियसली, बट कभी कभी बहुत यूजफुल है, मतलब कुछ सिनेरियोज में, तो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो ये सब काइंड ऑफ आपके क्विवर में एरोज हैं कि जब जरूरत है तो यूज कर लिया, बाकी टाइम बस पड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको 3 अलग अलग ट्रांसफॉर्म सिखाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ट्रांसफॉर्मर सिखाया है, जिसको यूज करके आप अलग अलग ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि लॉग ट्रांसफॉर्म, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्म, स्क्वेयर रूट ट्रांसफॉर्म। नाम से भी समझ में आ रहा होगा ये ट्रांसफॉर्म्स क्या करते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो आपको देखना है। उसके बाद
सेकेंड पावर ट्रांसफॉर्मर बोल के एक चीज आपको पढ़नी है, जिसमें आप दो अलग मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म्स पढ़ोगे। फर्स्ट है बॉक्स कॉक्स, जो कि बहुत फेमस ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके बाद यो जॉनसन। ठीक है, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। सो इतना पढ़ने से आपका ये वाला जो पार्ट है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज बच गई, दैट इज डिस्क्रेटाइजेशन। सो इसको बिनिंग भी बोला जाता है। सो होता है क्या है कि कभी कभी आप न्यूमेरिकल डेटा को रेंज में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि एज है, आप उसको रेंज में कन्वर्ट कर रहे हो। 43 30 से 40 के बीच में, सॉरी 40 से 50 के बीच में आ गया, 44 उसी तरीके से रेंज में आ गया। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से आप न्यूमेरिकल डेटा को बेन करते हो इनटू रेंजेस, और वो भी कई बार यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये टेक्निक भी आपको पता होनी चाहिए। सो एक बार आप ये चारों वीडियोस देख लो, और दैट्स इट। मतलब आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, और जब आप एल्गोरिदम लगा रहे हो उस टाइम पे, बस यू हैव टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ उसके बाद जो आपको चीज पढ़नी है, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। दो चीजें आपको पढ़नी है एक्चुअली। एक्चुअली आपको पढ़ना है पाइपलाइंस। सो साइकिट-लर्न जो आपकी लाइब्रेरी है, उसमें आपको पाइपलाइन का फीचर मिलता है। सो पाइपलाइन में क्या होता है कि आप उस एक चीज को यूज करके मल्टीपल चीजों को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो होता क्या है जनरली कि पहले आप मिसिंग डेटा हटाते हो, फिर आप उसको स्केल करते हो, फिर आप उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, फिर आप उसके ऊपर एल्गोरिदम लगाते हो। तो ये चारों अलग अलग स्टेप्स हैं, और आपको मैन्युअली ये चारों स्टेप्स करने पड़ते हैं। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो कि वन गो में यू कैन कॉल अ पाइपलाइन, और सारे स्टेप्स को उसके अंदर डाल दो, और वो खुद ब खुद चलने लग जाता है एक के बाद एक। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, ऐसे करके वो पूरी चीज एग्जीक्यूट हो जाती है, और बहुत ईजी हो जाता है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। सो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहां पे पाइपलाइंस यूज करनी होती हैं। ठीक है, तो पाइपलाइन के और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो सब आपको समझ में आएगा जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में, और फिर एक्चुअली आप साइकिट-लर्न की पाइपलाइंस पढ़ोगे ए टू जेड हर चीज, और इस वीडियो में वो कवर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप प्रैक्टिकलिटी का बात कर रहे हो मशीन लर्निंग के स्पेस में। चलो गाइस, अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो है हैंडलिंग टाइम एंड डेट डेटा। सो कभी कभी आपके डेटा सेट में ऐसे कॉलम्स होंगे जहां पे डेट होगा या फिर टाइम होगा, तो उस तरह के डेटा को कैसे हैंडल करना है वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। अब टाइम और डेट वाला जो डेटा होता है उसमें बहुत सारा और इन्फॉर्मेशन छुपा होता है। जैसे अगर आप एक डेट की बात करो तो डेट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और है, जैसे कि डे, मंथ, ईयर। ठीक है, मंथ का नाम, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छुपा हुआ है। कौन सा वीक चल रहा है ईयर का, मंथ का, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छुपा हुआ है। तो ये सब कुछ कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और उसको कैसे यूज करना है वो मैंने इस वीडियो में समझाया है। ट्रस्ट मी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट कभी कभी आपको हेडेक दे देगा अगर आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद हम मूव करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज वर्किंग विथ आउटलायर्स। सो आउटलायर्स आई गेस आपको पता होगा, आउटलायर्स मतलब शर्मा जी का बेटा। एक ऐसा डेटा पॉइंट जो बाकी के डेटा पॉइंट से बहुत अलग है। पूरी क्लास के मार्क्स आ रहे हैं 40 50, और इस बंदे के मार्क्स आ रहे हैं 97 98। ठीक है, तो ही इज एन आउटलायर। तो डेटा में भी क्या होता है कि बहुत बार आपको आउटलायर्स होते हैं बट दिखते नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग में जनरली जो आपके पास डेटा होता है वो हाई डायमेंशनल होता है। आप प्लॉट करके नहीं देख सकते कि कौन सा डेटा अलग है। ठीक है, तो आउटलायर्स अगर आपके डेटा में है तो आपके एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को हैम्पर करते हैं, और उनको हटाना जरूरी है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि आउटलायर्स क्या होते हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम होती है, और फिर उनको हटाने के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो चार वीडियोस आपको देखने हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, व्हाट आर आउटलायर्स। पूरे एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ मैंने आपको समझाया है कि आउटलायर्स क्या होते हैं, कैसे आपको अफेक्ट करते हैं, कौन से एल्गोरिदम्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा असर करते हैं, कौन से एल्गोरिदम्स बच पाते हैं, डिटेक्ट कैसे करना है, ये सारी टेक्निक्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। ठीक है, उसके बाद तीन मेथड्स हमने लाइन से डिस्कस किया है। पहला मेथड है यूजिंग जी स्कोर, दूसरा है IQR, और तीसरा है परसेंटाइल मेथड। वो तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, जी स्कोर यूज करके आउटलायर्स को कैसे डिटेक्ट करना है और रिमूव करना है, दोनों चीजें। ठीक है, उसके बाद IQR मेथड को यूज करके कैसे आउटलायर को डिटेक्ट और रिमूव करना है, और लास्टली परसेंटाइल मेथड को यूज करके कैसे ये पूरी चीज करनी है, इसको विंसराइजेशन भी बोला जाता है। तो ये पूरी चीज यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, अगेन गाइस, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है आउटलायर्स के साथ। कई बार मैं फंसा रहता था कम एक्यूरेसी में, और आइडिया ही नहीं लगता था कि यार क्यों नहीं बढ़ रहा है एक्यूरेसी, और एंड में पता चलता था कि यार डेटा में आउटलायर्स है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करो, ये चीज अपने दिमाग में रखना कि आपके डेटा में आउटलायर्स हो सकते हैं, और फिर आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए कि कैसे उनको डिटेक्ट करना है और कैसे उनको रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज जो आपको और सीखनी चाहिए वो है फीचर कंस्ट्रक्शन। फीचर, जैसे कि मैंने बोला डेटा में एक कॉलम को आप फीचर बोलते हो, तो फीचर कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कई बार आप एक नया कॉलम बना लेते हो, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें परचेज डेट बोल के एक कॉलम है, ठीक है, जहां पे डेट का वैल्यू है कि कस्टमर ने किस दिन सामान खरीदा। ओके, अब आप क्या कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिंस आपको डोमेन नॉलेज है, आप एक नया कॉलम बना सकते हो सीजन बोल के। अब सीजन में क्या है, समर, विंटर या फिर रेनी सीजन, डिपेंडिंग ऑन द डेट। आपने इस डेट से एक्सट्रैक्ट कर लिया कि कौन सा सीजन आएगा, ठीक है। अब ये सीजन जो था ये पहले से डेटा में नहीं था, ये आपने बनाया अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो ये कभी कभी बहुत यूजफुल होता है, कुछ सिनेरियोज में, हमेशा नहीं, बट ये आपको हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है कि यू कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट फीचर्स। ऐसा नहीं है कि जो फीचर्स आपको मिले हैं आप सिर्फ उनके साथ ही काम करोगे, आप खुद के भी फीचर्स क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज, अगली जो चीज है उसको बोला जाता है फीचर सेलेक्शन, और ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और प्रैक्टिकलिटी लेवल पे तो बहुत यूजफुल है। आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, फीचर सेलेक्शन का मतलब है कि आप अपने गिवन फीचर्स में से बेस्ट फीचर्स को सेलेक्ट करते हो और सिर्फ उनके ऊपर ही मॉडल रन करते हो, एल्गोरिदम रन करते हो, ठीक है। मान लो आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें 15 इनपुट कॉलम्स हैं, आपने उसमें से सिर्फ पांच सबसे ज्यादा यूजफुल कॉलम्स को पिक किया और उसके ऊपर एल्गोरिदम चलाया। क्योंकि होता क्या है कि हर इनपुट कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं होता, जरूरी नहीं होता, वो कभी कभी जबरदस्ती होता है और आपके मॉडल का परफॉर्मेंस खराब कर सकता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉडलिंग करने के पहले, एज एन एल्गोरिदम अप्लाई करने के पहले, उन कॉलम्स को हटा दो जो इतने यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 वीडियोस डाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर सिलेक्शन क्या होता है ये समझने के लिए, और उसके बाद जो अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल पे ज्यादा वीडियोज नहीं है, बट मैंने आपके लिए कॉन्टेंट एक्यूमुलेट किया है अलग अलग चैनल से। जैसे कि ये जो पहला वीडियो है, ये एक चैनल है भावेश भट्ट सर का, इन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है ऑन फीचर सेलेक्शन यूजिंग सेलेक्ट के बेस्ट एंड रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है फीचर सेलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगला है चाइस कोएट फीचर सेलेक्शन, जो अगेन आप उनके ही चैनल से पढ़ सकते हो। देन वी हैव बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन, और या ये एक और चैनल है केजीपी टॉकी, लक्ष्मीकांत सर हैं शायद ये, उनका चैनल है, उनके चैनल पे बहुत बढ़िया दिया हुआ है। नेक्स्ट इज ड्रॉपिंग फीचर यूजिंग पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, दिस वन क्रिश सर का चैनल है ये, और ये वीडियो भी बहुत अच्छा है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देन वी हैव फीचर इंपॉर्टेंस यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट, आप चाहो तो अपने हर गिवन इनपुट कॉलम का फीचर इंपॉर्टेंस भी निकाल सकते हो यूजिंग सम एल्गोरिदम्स लाइक रैंडम फॉरेस्ट। ये मेरा वीडियो है, इसमें मैंने पूरा एंड टू एंड समझाया है कि रैंडम फॉरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करता है, तो आप एक बार ये भी देख सकते हो। और लास्टली फीचर सिलेक्शन रिलेटेड कुछ एडवाइस जो कि इस चैनल से उठाया है, डेटा स्कूल, दिस इज अ वेरी गुड चैनल, आप इसको एक बार पक्का चेकआउट करना, ठीक है। तो इसमें केविन जो भी हैं इन्होंने बहुत बढ़िया समझाया है कि हाउ टू सेलेक्ट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन मशीन लर्निंग, ठीक है। सो ये 4-5 वीडियोस देखने के बाद आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि फीचर सिलेक्शन क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस सिचुएशन में कौन सा टेक्निक यूज करना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, मैं कुछ दिनों में कुछ कैगल नोटबुक्स ऐड करूंगा यहाँ पे, बेस्ट कैगल नोटबुक्स ऑन फीचर सिलेक्शन, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रॉस वैलिडेशन इज अ टेक्निक विच यू यूज टू डिवाइड योर डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट, ठीक है। इससे क्या होता है, आप अपने मेट्रिक्स अप्लाई करके पता कर सकते हो कि आपके मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना है कि क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, और उसके बाद जो अलग अलग टेक्निक्स है वो आपको सीखना है, ठीक है। सो सबसे पहला आपको ये वीडियो देखना है स्टैट क्वेस्ट का, क्रॉस वैलिडेशन के ऊपर। उसके बाद जो फर्स्ट टेक्निक है वो है होल्ड आउट क्लासिफायर इवेल्युएशन, जो सबसे सिंपल वाला ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आप यूज करते हो, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक और बहुत फेमस टेक्निक है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ये कोड बेसिक्स के चैनल पर है, बहुत बढ़िया वीडियो है, एक बार देखना आप ये वीडियो और आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद दो और टेक्निक्स है जो उतनी यूज नहीं होती हैं बट कभी कभी यूजफुल हो सकती हैं। सो फर्स्ट वन इज लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, और एक है टाइम सीरीज के ऊपर क्रॉस वैलिडेशन कैसे अप्लाई करना है, जो कि बहुत रेयर वीडियो है, समहाउ इसके ऊपर ज्यादा वीडियो कंटेंट आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब पे, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर इंटरव्यूज। लोग इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि टाइम सीरीज डेटा को कैसे आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करोगे, ट्रेनिंग और टेस्ट में अलग स्प्लिट करोगे, क्योंकि टाइम सीरीज डेटा कंटिन्यूअस होता है, लाइक डेट के हिसाब से या टाइम के हिसाब से, तो वहां पे आप कैसे करोगे ये पूरी चीज, ये सब इस वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। तो वंस यू विल डू ऑल ऑफ दीज यू विल बी लाइक गुड एट क्रॉस वैलिडेशन। सो ये बहुत नेसेसरी स्टेप है, तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं, फीचर सिलेक्शन और क्रॉस वैलिडेशन, इसमें गाइज थोड़ा टाइम स्पेंड करके प्लीज मेक श्योर आप अच्छे से चीजें सीख जाओ। सो गाइज अगली जो प्रैक्टिकल चीज आपको सीखनी है वो है मॉडलिंग। अब एक्चुअली मॉडलिंग होता है एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना अपने डेटा सेट के ऊपर, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, एल्गोरिदम्स आपने पढ़ लिए हैं। यहाँ पर मैं बस कुछ बचे हुए एल्गोरिदम्स आपको पढ़ाना चाहता हूँ, स्पेशली स्टैकिंग। सो स्टैकिंग इज अ टेक्निक जहाँ पर आप मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंबाइन करके एक ज्यादा बड़ा पावरफुल मॉडल बनाते हो, ठीक है। एंड स्टैकिंग इज अ टेक्निक जो बहुत यूज होता है कैगल में, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको जीतने में, ठीक है। तो इसलिए स्टैकिंग आपको पता होनी चाहिए, मेरा एक वीडियो है स्टैकिंग के ऊपर, स्टैकिंग और ब्लेंडिंग दोनों के ऊपर एक्चुअली है, यू कैन वॉच दिस वीडियो, यहाँ पे मैंने विथ अ डेटा सेट एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे स्टैकिंग अप्लाई कर सकते हो अपने मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर। उसके बाद आता है ब्लेंडिंग, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ब्लेंडिंग इज सिमिलर टू स्टैकिंग। उसके बाद मैंने दो चीजें और कवर करने को बोला है आपको, द फर्स्ट वन इज लाइट जीबीएम। सो लाइट जीबीएम स्टैंड्स फॉर लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स। सो ये एक बूस्टिंग फ्रेमवर्क है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है। तो ये भी कई जगहों पे यूज होता है, और एक्सजी बूस्ट से कैसे डिफरेंस है, डिफरेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, व्हाट इज लाइट जीबीएम एंड हाउ डज इट कंपेयर अगेंस्ट एक्सजी बूस्ट, ठीक है। ये वीडियो देखने से आपको लाइट जीबीएम भी समझ में आएगा और एक्सजी बूस्ट के साथ उसका कंपैरिजन भी समझ में आएगा। एंड लास्टली यू हैव टू लर्न अबाउट कैट बूस्ट, विच इज अगेन वेरिएशन ऑफ अ बूस्टिंग एल्गोरिदम, ये यैंडेक्स की तरफ से है, और ये वीडियो आप देख सकते हो, ये पाई डेटा पे पब्लिश हुआ था ये वीडियो कैट बूस्ट के ऊपर, ठीक है। सो ये दोनों वीडियोस आपको देखने हैं थोड़ा आइडिया गेन करने के लिए अबाउट दीज एल्गोरिदम्स, ठीक है। बट मोस्टली आप एक्सजी बूस्ट यूज करोगे मेरे एक्सपीरियंस में, बट पता होना चाहिए लाइट जीबीएम और कैट बूस्ट के बारे में भी, ठीक है। सो वंस यू आर डन विथ मॉडलिंग, नेक्स्ट कम्स मॉडल ट्यूनिंग। सो आपके जो एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, जिनको आप जिनमें अलग अलग वैल्यूज पास करके आप अपने एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको करना आना चाहिए, और वही करने के दो तीन तरीके हैं यहाँ पर। पहला है ग्रिड सर्च सीवी, जो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने रैंडम फॉरेस्ट को ट्यून किया है यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी। और एक और चीज होती है रैंडम सर्च सीवी, रैंडम सर्च ग्रिड सर्च सीवी में क्या होता है कि आप सारे के सारे पैरामीटर्स मतलब अलग अलग वैल्यूज ट्राई करते हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है, रैंडम सर्च सीवी में आप रैंडमली कुछ वैल्यूज ट्राई करते हो, ठीक है। तो वो मैंने इस वीडियो में ये मेरा वीडियो नहीं है ऑल दो, यहाँ पर इस वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ दिस एंटायर टेक्निक इज कि अगर ग्रिड सर्च सीवी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो फिर आप रैंडमलाइज सर्च सीवी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों वीडियोज देखने हैं, और लास्ट में आपको खूब सारी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी, अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको काम करना है। तो ये एक वीडियो है क्रिश सर का,
जहाँ पे इन्होंने 1.5 घंटे में काफी अलग अलग टाइप की टेक्निक समझाई हैं, इंक्लूडिंग ग्रेट सर सीवी और रैंडमाइज सर सीवी, और उसके अलावा भी कुछ आपके लाइब्रेरीज हैं उनको यूज करके इन्होंने दिखाया है कि आप कैसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के ऊपर। ठीक है, तो ये भी सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आप सीख गए तो आप एक चीज सीख जाओगे कि आप अपने एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग मॉडल से और बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो गाइज, अगली चीज जो आपको पढ़नी है वो है वर्किंग विद इम्बैलेंस्ड डेटा। सो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से कि किसी स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं, और आपके पास जो डेटा सेट है मान लो उसमें 1,000 बच्चों का डेटा है और उनमें से 950 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया और 50 बच्चों का अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ, मान लो आपके पास इस तरह का डेटा सेट है, तो इसको बोला जाता है इम्बैलेंस डेटा सेट। ठीक है, क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के सिनारियों में क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट होता है वो सही नहीं आता, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के सिनारियों में कैसे काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ वीडियोस और कुछ रिसोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले ये एक वीडियो है कोड बेसिक्स चैनल का, बहुत बढ़िया वीडियो है, हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा सेट इन मशीन लर्निंग। इन्होंने शायद क्रेडिट कार्ड वाला डेटा सेट का एग्जाम्पल लेके पढ़ाया है और इस पूरी चीज़ में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है इम्बैलेंस डेटा, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं। सो ये वीडियो आपको देखना है पूरा का पूरा। उसके बाद आपके साथ मैंने एक कैगल नोटबुक शेयर किया है अगेन क्रेडिट कार्ड वाले डेटा सेट के ऊपर, और इसमें भी ये जो ऑथर है उन्होंने पूरा एंड टू एंड समझाया है कि हाउ टू हैंडल दिस सॉर्ट ऑफ सिनेरियो, और उन्होंने एक टेक्निक यूज किया स्मोट बोल के, जो कि बहुत यूज होता है इम्बैलेंस डेटा सेट के साथ। ठीक है, ऑल्सो देर इज वन मोर एग्जाम्पल कैगल नोटबुक का, जहाँ पे कोरा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन जो डेटा सेट है, बहुत फेमस डेटा सेट है, उसके ऊपर ऑथर ने स्मोट टेक्निक अप्लाई करके क्लास इम्बैलेंस को हैंडल किया है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है गाइस जो शायद हमेशा काम ना आए, बट कल को अगर आप लेट्स से एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे डेटा इम्बैलेंस है, तो वहां पे आपको आइडिया होना चाहिए कि उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हैंडलिंग मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, सो मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है, मैं आपको एक रफ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपके पास खूब सारा डेटा है, लेट्स से अबाउट स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा कि नहीं, IQ, CGPA और कुछ कुछ और है, और फाइनली प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, ये डेटा है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से अब जनरली क्या होता है कि हम मशीन लर्निंग में इनपुट कॉलम्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज हमारा अजम्पशन ये होता है कि ये सारे के सारे कॉलम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, और तभी बेस्ट रिजल्ट आता है। बट कभी कभी क्या होता है कुछ सिनेरियोज में आपके जो इनपुट कॉलम्स है जिनको आप इंडिपेंडेंट कॉलम्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हो, वो आपस में बहुत हाईली कोरिलेटेड होते हैं। जैसे लेट्स से कोरिलेशन हो सकता है कि IQ और CGPA में बहुत हाई कोरिलेशन है, तो अगर IQ ज्यादा है तो CGPA भी ज्यादा है, IQ कम है तो CGPA भी कम है। तो इस तरह के सिनेरियो में क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का वो सही नहीं आता। ठीक है, और इसको मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं, और इस तरह के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला है, ये अनफोल्ड डेटा साइंस का वीडियो है अमन सर का, और इन्होंने बहुत बढ़िया समझाया है कि मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम क्यों है और क्या सिचुएशन में आप कैसे डिटेक्ट करते हो कि देर इज मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, ऑल्सो देर इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जहां पर कोड के थ्रू भावेश सर ने ये समझाया है कि वाई मल्टी कोलिनियरिटी इज बैड। ठीक है, ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए एंड टू एंड। और लास्टली एक सॉल्यूशन होता है वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर बोल के एक चीज होती है, वो आप फिर से समझ सकते हो अमन सर के चैनल से। ठीक है, तो ये तीन रिसोर्सेज अगर आप देखोगे तो यू वुड बी लाइक गुड टू गो इन टर्म्स ऑफ मल्टी कोलिनैरिटी। ऑब्वियसली और डीप जाने की जरूरत पड़ सकती है, बट इस पॉइंट पे आई वुड नॉट रिकमेंड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कल को तो आप और डीप में जाके रिसर्च कर सकते हो, बट अगर आप ये तीन वीडियो रिसोर्सेज देख लो तो मल्टी कोलिनैरिटी के बारे में आप थोड़े प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट योर मशीन लर्निंग मॉडल फेसेस इज डेटा लीकेज। सो डेटा लीकेज क्या होता है कि कभी कभी आपका ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट के बीच में एक इंफॉर्मेशन लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ओवरफिटिंग हो सकता है। तो इस तरह के सिनेरियो को डेटा लीकेज बोला जाता है।
अगर आप ये ब्लॉग पढ़ो मशीन लर्निंग मास्टरी का, जेसन ब्राउनली जो ऑथर है उन्होंने लिखा है, और ये बहुत बढ़िया ब्लॉग है जिसमें समझाया हुआ है कि डेटा लीकेज क्या होता है और किस तरीके से आपके मॉडल को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डाले हैं कैगल नोटबुक्स के। सो ये पहला है कोरा क्वेश्चन पे डेटा सेट के ऊपर, एस आर के बोल के जो ऑथर है, ही इज वेरी फेमस ऑन कैगल, आप इनके काम को फॉलो कर सकते हो, बहुत बढ़िया लिखते हैं ये। और सेकेंड एक और एग्जाम्पल है क्रेडिट कार्ड डेटा के ऊपर, डैन भी अगेन अ वेरी गुड ऑथर ऑन कैगल, ठीक है। इन दोनों का फॉलो कर सकते हो, इन दोनों का ये नोटबुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि डेटा लीकेज क्या होता है, किस टाइप का लीकेज होता है और उसको हैंडल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें एक्चुअली काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो अकर करती हैं आपके मशीन लर्निंग मॉडल में, और उनके बारे में जानना समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके गाइज, जो अगली चीज है वो बहुत ही डेंजरस चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज बेसिकली सर्विंग योर मॉडल। सो एक बार अगर आपने अपना मॉडल बना लिया तो ऑब्वियसली वो आपके लैपटॉप पे तो रहेगा नहीं, वो आपके यूजर्स तक पहुंचना चाहिए, और यूजर्स तक पहुंचने के बहुत तरीके हैं। या तो आप उसको एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप उसको एक मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर दो, या फिर एक एपीआई में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो जब मैं फर्स्ट सीख रहा था ये पूरी चीज कि आपके मॉडल को कैसे आप यूजर तक पहुंचाते हो, तो सिंस मैं वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हूं तो मुझे लगा कितना ही डिफिकल्ट होगा। मैंने बहुत वेबसाइट्स डिप्लॉय की थी जब मैं वेब डेवलपर था सर्वर के ऊपर, और मुझे लगा कि ठीक है यार कर देंगे, बहुत इजी है। बट गेस व्हाट, जब मैंने मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट किया अलग अलग क्लाउड सर्विसेज पे, आई फाउंड आउट वन थिंग कि ये बहुत ही लफड़े का काम है, इजी नहीं है, फॉर श्योर इजी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसोर्सेज आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से कुछ वीडियोज ऑब्वियसली मेरे हैं और कुछ बहुत अच्छे दूसरे चैनल्स के हैं। तो द आइडिया ऑफ दिस एंटायर सेक्शन इज कि आप एक बार अपना मॉडलिंग फेज कंप्लीट कर लो, अगर मॉडल बनाना सीख जाओ तो फिर उसको सर्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक मैंने कवर किया है वो है पिकलिंग योर मॉडल, बेसिकली अपने मॉडल को एक फाइल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये मेरा ही एक वीडियो है जहां पर मैंने क्या किया है, अपने एक मॉडल को पकड़ा है और उसको पिकल किया है, एज इन फाइल में कन्वर्ट किया है, और फिर उसको एक वेबसाइट में डिप्लॉय किया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया 32 मिनट का वीडियो है जो आपको काफी पर्सपेक्टिव देगा पूरे प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद है फ्लास्क का एक ट्यूटोरियल, ऑल दो ये ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ पहले ऊपर भी शेयर किया था, इट वुड बी जस्ट अ रिविजन क्योंकि फ्लास्क यूज करके आप वेबसाइट्स बनाते हो। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट क्या है, स्ट्रीमलेट इज अ पाइथन लाइब्रेरी जिसको यूज करके आप बहुत इजिली वेबसाइट्स बना सकते हो, लाइक 2-3 लाइन के कोड में आपकी वेबसाइट बन जाएगी, तो बहुत यूजफुल लाइब्रेरी है। और ये एक बहुत अच्छा चैनल है, पाइथन इंजीनियर, आप फॉलो कर सकते हो अगर आप नहीं जानते हो तो। इन्होंने बहुत अच्छा समझाया है कि स्ट्रीमलेट को कैसे यूज करना है 1/2 आवर के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप सीख लेना, काफी काम आएगा आपको। मैंने अपने चैनल पे बहुत जगहों पे स्ट्रीमलेट यूज किया है, ऑल दो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया स्ट्रीमलेट के ऊपर। नेक्स्ट इज हेरोकू के ऊपर, आप हेरोकू इज अ क्लाउड सर्विस बेसिकली जहाँ पे आप वेबसाइट्स वगैरह होस्ट कर सकते हो। तो ये एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था ईमेल स्पैम क्लासिफायर, इसको मैंने एंड में हेरोकू पे डिप्लॉय किया। तो लास्ट का 15-20 मिनट जब आप देखोगे इस प्रोजेक्ट का, वहां पर यू वुड सी कि मैंने अपने मशीन लर्निंग मॉडल को उठा करके हेरोकू पे सर्व किया, ठीक है। नेक्स्ट इज AWS के ऊपर अपने मॉडल को सर्व करना, अमेजॉन वेब सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं कि अपने मॉडल को AWS पे होस्ट करती हैं, तो ये वीडियो काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे लॉट में। यहाँ पे मैंने 40 मिनट में आपको पूरी की पूरी चीज सिखाई है, पहले मॉडल बनाना, उसको पिकल करना, वेबसाइट में कन्वर्ट करना और फिर AWS पे डिप्लॉय करना, ठीक है। तो ये काफी पर्सपेक्टिव देने वाला वीडियो है अगर आप AWS स्टैक सीखना चाहते हो। नेक्स्ट इज GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कैसे डिप्लॉय करना है। सो अगेन ये वीडियो है डैनियल बर्क, जो भी नाम है, बहुत बढ़िया है ये भी वीडियो, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझाया है पूरा PPT वगैरह, एक्चुअली एक सेशन है, इस सेशन में ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है, और टाइम स्टैम्प भी है तो आप फॉलो कर सकते हो सही से। और लास्टली अज्योर के ऊपर कैसे डिप्लॉय करना है वो आप क्रिश सर के चैनल पे देख सकते हो, इन्होंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू डिप्लॉय अ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन अज्योर क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है जो, ठीक है। और लास्टली एक वीडियो मेरा है जहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग मॉडल को एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करना सिखाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेयर है यूट्यूब पे, ज्यादा चैनल्स ने ये नहीं कर रखा, तो आप ये वीडियो देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मुझे अपने मोबाइल ऐप में अपना मॉडल सर्व करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आना चाहिए, बट अगेन एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप सीख सकते हो मेरे चैनल से,
देर इज अ प्लेलिस्ट ऑन माई चैनल, ठीक है, वहां से आप सीख सकते हो. एंड दैट्स इट. अगर आपने ये सब कुछ करके देख लिया तो फिर बहुत बढ़िया. इस चीज को देखते टाइम, ये सारे वीडियोस देखते टाइम एक सजेशन मेरा मान लेना कि साथ साथ आप भी करना ये चीज, ठीक है. क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियोस देखोगे ना तो भूल जाओगे. मतलब दीज आर ऑल सीरीज ऑफ स्टेप्स. जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आपका मसल मेमोरी नहीं होगा कि कैसे करना है. ऑल्सो जो प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने में थोड़ा और नॉलेज आता है, वो सब भी आपको आना चाहिए. सो प्लीज देयर इज अ रिक्वेस्ट, जब आप ये सेक्शन फॉलो कर रहे हो तो ये सारे वीडियोस को लाइन बाय लाइन साथ में फॉलो करने का ट्राई करना, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न, ठीक है. सो दैट्स अ रिक्वेस्ट. नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस लेवल इज वर्किंग विथ लार्ज डेटा सेट्स. सो अभी तक हम जितने भी डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे थे या जिनकी भी हम बात कर रहे थे वो छोटे डेटा सेट्स थे. बट कभी कभी क्या होगा कि आपके पास ऐसा डेटा सेट होगा जो 10 GB, 20 GB, 100 GB का भी हो सकता है. ऐसा इतना बड़ा कि आपके रैम से बड़ा, मतलब आप उसको डायरेक्टली लोड भी नहीं कर सकते अपनी मेमोरी में, ठीक है. तो इस तरह की मशीन लर्निंग को बोला जाता है आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग, ठीक है. तो क्या होता है, कैसे ही होता है, ये सब आपको सिखाने के लिए ये सेक्शन है. सो पहला वीडियो है व्हाट इज आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग, मेरा ही वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको 10 मिनट में समझाया है कि आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग क्या होता है, इस तरह के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कौन से एप्लीकेशंस में आप इस तरह का टेक्निक यूज कर सकते हो, ये सारी चीज मैंने 10 मिनट में समझाई है. उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है कि आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो मैंने एक डेटा सेट उठाया जिसमें 3 करोड़ रोज है, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा सेट है, और उसके ऊपर मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करके दिखाया है, ठीक है. तो ये वीडियो आपको बहुत पर्सपेक्टिव देगा. और लास्टली एक लाइब्रेरी है वैक्स बोल के, आप उसका एक ब्लॉग पढ़ सकते हो, हाउ टू ट्रेन बिलियन मॉडल्स इन 5 मिनट्स ऑन योर लैपटॉप यूजिंग वैक्स, ठीक है. तो ये भी एक बहुत बढ़िया ब्लॉग पोस्ट है जहाँ पे न्यूयॉर्क कैब डेटा सेट को यूज करके इन लोगों ने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया और इस तरह के विजुअलाइजेशन दिखाए हैं कि कहाँ कहाँ पे कैब्स किस टाइम पे हुआ करती थी. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है ना. आप एक बार ये पक्का रीड करने का ट्राई करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट ट्रस्ट मी इजी है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. सो अगर आप ये 3 चीजें फॉलो कर लो तो आपको बिगिनर लेवल पे आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग का आइडिया हो जाएगा, जो कि आपको होना भी चाहिए अगर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो, ठीक है. विद दैट दिस इज द कंक्लूजन ऑफ लेवल 3. सो दैट वॉज लेवल नंबर 3 गाइस. अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो ट्रस्ट मी आपने मोर देन 70-80% जर्नी कवर कर लिया है. और कॉन्ग्रैट्स, मतलब काफ़ी कुछ सीखा आपने. आपने थ्योरी सीख लिया, आपने प्रैक्टिकल जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन सबको हैंडल करना सीख लिया. अब यू आर रेडी टू डिस्कवर मोर, ठीक है. मशीन लर्निंग के साथ कुछ और एडजेसेंट फील्ड्स भी होती हैं जो आपको एज अ बिगिनर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यूज में और कंपनीज में वो आपसे पूछा जाता है. वन सच टॉपिक इज NLP, वन मोर टॉपिक इज टाइम सीरीज, एनोमली डिटेक्शन, रिकमेंडर सिस्टम्स, कंप्यूटर विजन, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा. सो इस लेवल में, लेवल नंबर 4 में, द आइडिया इज कि मैं आपको इन सारे टॉपिक्स का हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दूँ, सो दैट आप जब इंटरव्यू में बैठो और आपसे इन टॉपिक्स पे अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आप ऐसा फील ना करो कि यार फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ठीक है. तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से कवर करने का ट्राई करेंगे इन दिस लेवल, लेवल नंबर 4. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं लेवल नंबर 4, डाइविंग इन टू डिफरेंट डोमेन्स. सो जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस लेवल का पूरा पर्पस है आपको मशीन लर्निंग की जो रिलेटेड फील्ड्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है. तो टोटल 6-7 चीजें हैं, मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ. सो सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो है सीक्वल. अब सीक्वल एक्चुअली मशीन लर्निंग से रिलेटेड फील्ड नहीं है, ये बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड है. इनफैक्ट मशीन लर्निंग की फील्ड में सीक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इट इज एन इनेबलिंग टेक्नोलॉजी. मतलब अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो सीक्वल इज लाइक मैंडेटरी. क्योंकि होता क्या है कि जो कंपनीज हैं उनका डेटा डेटाबेसेस में स्टोर्ड होता है और कई बार दे एक्सपेक्ट देयर डेटा साइंटिस्ट टू डायरेक्टली रन क्वेरीज ऑन देयर डेटाबेसेस, ठीक है. तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको पैंडास में डेटा फ्रेम मिलेगा. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी बोले कि यार हमारा डेटा अभी डेटाबेस में है, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ डेटा वेयर हाउस, आप इसी में चला के देख लो क्वेरीज और इसी पे एनालिसिस करके दिखाओ. तो इसलिए आज की रेट में अगर आप सर्च करोगे ना कि टॉप स्किल्स क्या हैं डेटा साइंस
सीखने के लिए, तो नंबर वन पे पाइथन आएगा और नंबर टू पे सीक्वल आएगा, या फिर हो सकता है नंबर वन पे सीक्वल मिल जाए. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे तीन रिसोर्सेस अटैच किए हैं. पहला रिसोर्स है सीक्वल रोड मैप. सो ये एक आधे घंटे का वीडियो है जहां पर मैंने एकदम पॉइंट बाय पॉइंट एक पीपीटी यूज करके समझाया है कि अगर आपको सीक्वल एक्सपर्ट बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद सेकंड जो रिसोर्स है वो एक्चुअली इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं तो ये उसी का नोट्स है. सारी बुक्स वगैरह का डिटेल, फ्री कोर्सेज का डिटेल, प्रैक्टिस कहाँ करो उसका डिटेल, चीट शीट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो आप इसको यूज कर सकते हो. थर्ड जो चीज है वो है मेरा सीक्वल का कोर्स. सो ये एक ऑलमोस्ट 6 घंटे का वीडियो है जो मैंने कुछ दिन पहले ही मेरे चैनल पर डाला है, और यहाँ पे मैंने वो सारे के सारे सीक्वल क्वेरीज चला के दिखाए हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो इस वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है. अगर आप ये तीन चीजें कर लेते हो तो आई गेस यू विल बी रेडी विथ सीक्वल. सीक्वल में थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, मैंने यहाँ पे 2 डेज लिख दिया, बट वो बस ये वीडियो देखने का ड्यूरेशन है. बट अगर आप मेरे से पूछो तो थोड़ा प्रैक्टिस करने में आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ता लग जाएगा, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू टच. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग. सेकेंड थिंग इज रिकमेंडेशन सिस्टम्स. सो अगर आप मशीन लर्निंग डेटा साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर मेरी बात मानो, अपने रेज्यूमे में एटलीस्ट एक रिकमेंडर सिस्टम का प्रोजेक्ट ऐड करना ही है आपको, ठीक है. बिकॉज रिकमेंडेशन सिस्टम्स, अगर आप सोच के देखो, वी आर लिविंग इन एन इंटरनेट इकोनॉमी. हर अच्छी वेबसाइट या ऐप को अगर आप उठाओ तो वो लोग इंटरनली किसी ना किसी फॉर्म में रिकमेंडर सिस्टम्स यूज करते हैं. कोई भी वेबसाइट उठा लो, यूट्यूब ही उठा लो, देर इज अ रिकमेंडर सिस्टम. अमेजॉन उठा लो, देर इज अ रिकमेंडर सिस्टम. स्पॉटिफाई उठा लो, देर इज अ रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है. तो रिकमेंडर सिस्टम्स के ऊपर काम करना आना ही चाहिए, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने आपको तीन प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तीनों मेरे ही प्रोजेक्ट्स हैं. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम. ये अच्छा प्रोजेक्ट है. मूवी डेटा सेट के ऊपर आपको एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है. यहाँ पर मैंने पहले ये भी बताया है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिकमेंडर सिस्टम्स, और फिर मैंने उसके आगे फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ठीक है. एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, हेरोकू पे डिप्लॉय करके दिखाया है, तो ये एक बढ़िया पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है. सेकेंड है बुक रिकमेंडर सिस्टम. ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये वाला प्रोजेक्ट और मूवी रिकमेंडर वाला प्रोजेक्ट एक्चुअली दो अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज ये दो अलग टाइप के रिकमेंडर सिस्टम्स हैं. सो देर इज समथिंग कॉल्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड कुछ और एक नाम होता है, मैं भूल गया, बट ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं, तो ये आपका बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है. सो ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपको करने चाहिए. एंड द लास्ट वन इज अ वेरी डिफरेंट रिकमेंडर सिस्टम. यहाँ पर अगर आप एक फोटो अपलोड करते हो किसी प्रोडक्ट का, तो ये डेटाबेस में से सिमिलर प्रोडक्ट्स निकाल के आपको देता है, तो ये एक विजुअल रिकमेंडर सिस्टम है, तो ये भी थोड़ा अलग है. सो मैंने आपको तीन अलग रिकमेंडर सिस्टम्स दे दिए हैं, आप इन तीनों को बनाओ और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो. इफ पॉसिबल थोड़ा सा वेराइटी क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा डिफरेंट टाइप का डेटा सेट यूज करके. जैसे मैंने मूवी यूज किया है, तो आप सॉन्ग्स यूज कर लो, ठीक है. तो थोड़ा सा वैरायटी आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखेंगे फिर सेम चीज बनाएंगे, तो हो सकता है कि वैरायटी ना आ पाए. तो बट एनीवेज आपको काम करना चाहिए रिकमेंडर सिस्टम के ऊपर, ठीक है. नेक्स्ट इज एसोसिएशन रूल माइलिंग, रूल लर्निंग. अब एसोसिएशन रूल लर्निंग क्या होता है, इट इज बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक, क्लस्टरिंग की तरह, जहां पर आप सिमिलर चीजों को, मतलब उनके बीच का जो एसोसिएशन है, जो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, वो डिस्कवर करते हो, ठीक है. तो इसमें दो एल्गोरिदम्स आपको पढ़ने हैं, एक है अप्रायोरी और एक है एक्लैट, ठीक है. तो इन दोनों के लिए मैंने एक एक वीडियोस यहाँ पे दे दिए हैं. एक एड्यूरेका का चैनल पे है एक वीडियो, विच इज अ गुड वीडियो, मतलब छोटा सा 18 मिनट में उन्होंने बढ़िया समझा दिया है. और सेकेंड ये ऑगुमेंटेड स्टार्टअप बोल के एक यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल पे एक्लैट एसोसिएशन रूल लर्निंग का एक छोटा सा वीडियो है, 6 मिनट का, जिन्होंने बस एनिमेशन वगैरह करके दिखाया, सो काम चल जाएगा, वैसा वीडियो है. और लास्टली आपके पास एसोसिएशन रूल लर्निंग का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आप मार्केट बास्केट एनालिसिस करते हो. बहुत ही फेमस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये, जहाँ पे आपके पास
खूब सारे बिल्स हैं किसी दुकान के, और आपको पता करना है कि टॉप एसोसिएशंस कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ें साथ में खरीदी जाती हैं। ये प्रोजेक्ट है और ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। मतलब अगर आपने ये पढ़ लिया तो फिर आपको एसोसिएशन रूल माइनिंग समझ में आ जाएगा, उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमली डिटेक्शन। ये भी बहुत काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप मशीन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में बात करो। एनोमली डिटेक्शन क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ नॉर्मली हो रही है हो रही है, और फिर सडनली से कुछ बहुत अलग सी चीज़ हुई, तो उसको डिटेक्ट करना। बैंकिंग सिस्टम में बहुत यूज़ होता है ये। जैसे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और फिर सडनली से एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ, तो उसको डिटेक्ट कर लेना, उसको ब्लॉक कर देना। तो उस तरह के सिनारियोज में एनोमली डिटेक्शन होता है। दो तरह का डिटेक्शन आपको करना होता है, एक होता है नॉर्मल एनोमली डिटेक्शन और दूसरा होता है नॉवेल्टी डिटेक्शन। मतलब नॉर्मल सी चीज़ में बहुत बढ़िया चीज़ को खोजना, ठीक उल्टा है। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको आउटलायर्स को पकड़ना होता है, तो ये आउटलायर डिटेक्शन के डोमेन में आता है। सो मैंने यहाँ पे दो लेक्चर्स अटैच किए हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च का बहुत बढ़िया लेक्चर, जहाँ पे इन्होंने 1.5 घंटे में पढ़ाया है एनोमली डिटेक्शन, सारे एल्गोरिदम्स, उनके एप्लीकेशन एक्सेट्रा। बहुत बढ़िया वीडियो है ये, आप देखना चाहिए, ये आपको देखना चाहिए। और सेकेंड है आपका एक और लेक्चर जो नॉवेल्टी डिटेक्शन के ऊपर है, अगेन 1.5 घंटे का है, और इसमें भी बहुत बढ़िया पढ़ाया है जो भी ये लेक्चरर है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आप कवर कर लो तो ये दो नॉट सो फेमस टॉपिक्स, जो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, बट ये ऐसा टॉपिक है कि पूछा भी जा सकता है, तो ये भी कवर हो जाएगा। सो गाइज, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एनएलपी। आई गेस आपको पता है ऑलरेडी एनएलपी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट्स बेसिकली अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग जहाँ पे आप टेक्सचुअल डेटा के साथ काम करते हो। रिसेंटली ये फील्ड बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, सभी को पता है, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशन एरियाज निकल निकल के आ रहे हैं हर अगले दिन, और बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई आज की डेट में बहुत सारे जॉब्स भी अवेलेबल हैं एनएलपी इंजीनियर्स के लिए। तो अगर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो तो इट वुड बी अ गुड आइडिया कि आप एटलीस्ट थोड़ा आइडिया ले लो एनएलपी के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ रिसोर्सेज क्यूरेट किए हैं, ये सारे रिसोर्सेज मेरे ही चैनल पर हैं। सो ये फर्स्ट आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा 25 मिनट का, जहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट एनएलपी रोड मैप समझाया है कि आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा एनएलपी मास्टर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद करेंटली मेरा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है एनएलपी के ऊपर, आप ये कोर्स फॉलो कर सकते हो। इसमें टोटल मिला के 10 लेक्चर्स होंगे। इस पॉइंट पे देर आर ओनली 6 लेक्चर्स, बाकी के 4 लेक्चर्स मैं विद इन 1 मंथ अपलोड कर दूंगा। तो मे बी जब आप फ्यूचर में देखोगे इस वीडियो को, तो आपको यहाँ पे बाकी के लेक्चर्स भी दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं एनएलपी में, वो सब कवर कर रखे हैं, लाइक इंट्रोडक्शन टू एनएलपी, एनएलपी पाइपलाइन क्या होता है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स लाइक बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF, वर्ड टू वेक, और उसके बाद टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये सारा कुछ यहाँ पे कवर्ड है, एंड दीज आर लाइक प्रॉपर लेक्चर्स, एक एक दो दो घंटे के लेक्चर्स हैं, कुछ भी मिस नहीं किया है और सब कुछ कवर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है एनएलपी प्रोजेक्ट आइडियाज़ के ऊपर। मतलब अगर आपने थोड़ा एनएलपी सीख लिया तो फिर आपको थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। यहाँ पे मैंने 11 एनएलपी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, एक बार आप ये देखोगे तो आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक दो प्रोजेक्ट्स मेरी वेबसाइट से, आई एम सॉरी, मेरे यूट्यूब चैनल से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। एक है ईमेल स्पैम क्लासिफायर, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ये, दिस इज अ प्रॉपर एनएलपी प्रोजेक्ट। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है चैटबॉट बनाने का, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हम गूगल का डायलॉग फ्लो यूज करके एक चैटबॉट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बिगिनर लेवल पे आप इनको बना सकते हो। ठीक है, अगर आप एक बार इतना कर लो कम से कम, तो आप एटलीस्ट इंटरव्यू में बैठ करके बात कर पाओगे एनएलपी के बारे में। यू विल नॉट बी अ स्ट्रेंजर कि कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, वैसा नहीं होगा। जस्ट मेक श्योर आप इतने वीडियोस देख लो। ठीक है, दैट्स इट फॉर एनएलपी। नाउ तीन और फील्ड्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप टच करो अपने स्टार्टिंग में ही, जब आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो। एक फील्ड है टाइम सीरीज, बेसिकली ऐसा डेटा जो टाइम बेस्ड है। सेकेंड है कंप्यूटर विजन, इमेजेस और वीडियोस रिलेटेड सारा का सारा मशीन लर्निंग। एंड द लास्ट वन इज फंडामेंटल्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा डीप लर्निंग आना चाहिए, बट न्यूरल नेटवर्क के फंडामेंटल्स एटलीस्ट आपको आने चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कमिंग सून इसलिए लिखा है क्योंकि इस पॉइंट पे मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है इन टॉपिक्स के ऊपर। सो मेरा प्लान है विद इन 2-3 मंथ्स मैं इन तीनों के लिए एक रोड मैप बनाऊं,
और मैं उसको यहाँ पे अटैच कर दूंगा। सो अगेन, अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इस पॉइंट पे ऑलरेडी यहाँ पर इतना कंटेंट है कि आपको कवर करने में 2-3 महीने, 4 महीने तो आराम से लगने वाले हैं। उसके पहले मैं सारा कॉन्टेंट डिलीवर कर दूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर लेवल नंबर 4। सो दैट वॉज लेवल नंबर 4 गाइस, एंड गेस व्हाट, अगर आपने यहाँ तक कवर कर लिया दैट इज इनसेन। अब आप लोग बस एक लास्ट चीज़ कर लो और आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। और वो लास्ट चीज़ है कि बचे हुए टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, ऑब्वियसली। ठीक है, सो यहाँ पर लेवल नंबर 5 में मैंने आपके साथ 10-12 प्रोजेक्ट शेयर किए हैं जो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपके साथ कुछ और वीडियो शेयर किए हैं जो आपके लिए प्रोजेक्ट बनाने में रोड मैप का काम करेंगे। ऑल्सो आई एम शेयरिंग अ लिस्ट ऑफ 500 मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स विथ यू। उनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट करके, बना करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ लेवल नंबर 5। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द फाइनल लेवल, पुशिंग इट विथ प्रोजेक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, द होल आइडिया ऑफ दिस लेवल इज टू शार्पन योर स्किल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेवल इज टू शार्पन योर नॉलेज दैट यू हैव एक्यूमुलेटेड इन द प्रीवियस 4 लेवल्स। ठीक है, तो बस प्रोजेक्ट्स करने हैं अपने को अच्छे। सो सबसे पहले ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप देखो, और ये वीडियो है मेरे ही चैनल पे, 8 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर योर पोर्टफोलियो बोल के। यहाँ पे मैंने 8 टाइप के प्रोजेक्ट्स बताए हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए इंटरव्यू के पहले। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने डेमो वगैरह दिखाया है तो आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड वीडियो है वो है हाउ टू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट इन डेटा साइंस। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया इंसाइटफुल वीडियो है, सिर्फ 10 मिनट का है, झट से देख लोगे। उसके बाद से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर यू कैन सी जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे चैनल पर हैं, मैंने सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए हैं। जो भी आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो, मैं तो बोलूंगा टाइम है तो सारे ही कर लो। जैसे कि ये प्रोजेक्ट देखो, ये है कार प्राइस प्रिडिक्टर, ये आपका रिग्रेशन प्रोजेक्ट है जहाँ पर अगर आप पुरानी कार की डिटेल्स प्रोवाइड करो तो ये मॉडल आपको बताता है, ये वेबसाइट आपको बताता है कि उस कार को आप कितने में बेच सकते हो या उसका करेंट मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सेकेंड प्रोजेक्ट है बैंगलोर हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। अगर आप घर के डिटेल्स बताते हो तो ये प्रिडिक्शन करके बताएगा कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में उस टाइप के घर का क्या प्राइस होना चाहिए। अगेन अ रिग्रेशन प्रोजेक्ट। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड है, हेरोकू पे डिप्लॉयड है, तो आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। थर्ड जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा अच्छा प्रोजेक्ट है, पॉस्चर डिटेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप एक नई लाइब्रेरी के बारे में सीखोगे, ML5JS। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट टच नहीं किया, बट आप जावास्क्रिप्ट में भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। दिस इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि कैमरा में जब आप खड़े होगे या आपका यूजर खड़ा होगा, तो ये मॉडल क्या करता है कि ये उसके जो मेन जो पॉस्चर पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, वो डिटेक्ट करके उसको इस तरीके से जोड़ के एक स्केलेटन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल चीज है, मतलब स्पेशली अगर आपने ये रिसेंट एप्स वगैरह यूज किए होंगे कल्ट फिट टाइप के, जहाँ पर लोग ऑनलाइन योगा वगैरह करते हैं, तो वहां पर ये पॉस्चर डिटेक्शन यूज किया जाता है, तो टू टेल द यूजर कि आप सही से योगा वगैरह कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 1 घंटे में हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्टर। लैपटॉप की डिटेल्स दो और ये प्रिडिक्ट करके बताएगा कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक रिग्रेशन प्रोजेक्ट है, काफी मस्त है, मतलब थोड़ा बड़ा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात है फीचर इंजीनियरिंग जो इसमें किया है मैंने, आपको काफी आइडिया मिलेगा। लॉग ट्रांसफॉर्म्स वगैरह यूज किए हैं, तो थोड़ा मजेदार प्रोजेक्ट है, यू कैन ट्राई आउट दिस वन। नेक्स्ट वन इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी आर यू। आपको एक वेबसाइट बनानी होगी जहाँ पे आपका यूजर एक फोटो अपलोड करेगा और वो फोटो के हिसाब से हमारा वेबसाइट बताएगा कि वो फोटो किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने रणबीर सिंह का एक ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट सा फोटो अपलोड किया, चेहरे पे रंग लगा हुआ था, बट उसने डिटेक्ट कर लिया कि रणबीर सिंह का फोटो है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डीप लर्निंग इन्वॉल्व है, बट मेजरली ये प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग में ही बना हुआ है, सो यू कैन ट्राई आउट दिस वन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज गेम ऑफ थ्रोन्स कैरेक्टर का पर्सनालिटी को विजुलाइज करना। ठीक है, तो ये एक बहुत माइनर सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे टीस ने यूज करके मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के पर्सनालिटीज जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको काइंड ऑफ
उनके बीच में कोरिलेशन निकाला कि कौन सी पर्सनालिटी किस दूसरी पर्सनालिटी के क्लोज है, और उसको ग्राफ वगैरह पे प्लॉट किया और फिर उसको एक वेबसाइट में कन्वर्ट किया। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, स्पेशली अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है तो आप इंजॉय करोगे। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है दोनों वो क्रिकेट के ऊपर है। ये प्रोजेक्ट है आईपीएल विन प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्टर। अगर आप ये सारे डिटेल्स प्रोवाइड करो, कौन सी बैटिंग टीम है, कौन सी बॉलिंग टीम है, करंट स्कोर क्या है, कितने आउट हो गए, कितने ओवर्स खत्म हो गए, टारगेट कितना है, कहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये मॉडल बताता है कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। ठीक है, तो ये आपने रिसेंटली देखा होगा, ये सब जो एप्स होते हैं ESPN, क्रिक इन्फो एक्सेट्रा, वहां पर ये मॉडल यूज होता है, तो वही मैंने बनाया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इज T20 स्कोर प्रेडिक्टर। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम कितना रन बनाएगी आफ्टर 20 ओवर्स, करेंट सिचुएशन के हिसाब से वो प्रिडिक्टर है। अगेन इस तरह की चीजें आप देखते होंगे अलग अलग एप्स में। द लास्ट वन इज टाइटैनिक वाला चैलेंज, जहाँ पे टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर हमें क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना है कि किसी पैसेंजर की डिटेल के मिलने पे हमें बताना है कि वो पैसेंजर बचेगा या मर जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे और कई जेनेरिक से प्रोजेक्ट्स डाले हैं जो बहुत फेमस हैं, फेक न्यूज, लोन स्टेटस, गोल्ड प्राइस, हैंड राइटिंग क्लासीफायर, फ्लाइट फेयर प्रेडिक्शन, ये सब भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। और लास्ट में मैंने आपका हेल्प करने के लिए एक रेपोजिटरी का लिंक दिया है। ये कोई महापुरुष है आशीष पटेल बोल के, इन्होंने 500 मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स का एक रेपोजिटरी बनाया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरीज में है, कंप्यूटर विजन के ऊपर है, मशीन लर्निंग के ऊपर है, NLP के ऊपर है, डीप लर्निंग के ऊपर है, पाइथन के ऊपर है, वेब स्क्रैपिंग के ऊपर है, चैटबॉट के ऊपर है। लाइक ये खजाना है, ये प्रॉपर खजाना है। आप जाओ, जो भी आपको पसंद है वो उठाओ और वो प्रोजेक्ट बिल्ड करो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। लाइक इससे ज्यादा आपको कहीं भी लिस्ट नहीं मिल सकता, एंड दैट इज वाई ये रेपोजिटरी मैंने अटैच कर दी है, सो दैट आपको एक आइडिया सॉर्ट ऑफ मिले कि यार करना क्या है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर लेवल 5। सो दैट वॉज द लास्ट लेवल गाइज। आई होप आपने ये सारा वीडियो यहाँ तक देखा, और अगर आप यहाँ तक चीज़ें फॉलो कर रहे हो और आगे भी करो तो फिर दैट वुड बी ग्रेट। लाइक अगर आपने इतना कर लिया तो फॉर श्योर आप समझ के बैठो कि आप उस जॉब के बहुत क्लोज हो। ठीक है, सो आई होप ये रोड मैप आपको पसंद आया। अब आई विल टॉक अबाउट सम इम्प्रूवमेंट्स। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि एक लास्ट में एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। सो देर आर इन टोटल, लाइक पहले मैं आपको थोड़े इम्प्रूवमेंट्स की बात करता हूँ कि सिंस अभी ये फर्स्ट वर्जन ऑफ द रोड मैप है, इसमें मैं और इम्प्रूवमेंट्स करने वाला हूँ। तो पहला इम्प्रूवमेंट तो ये है कि मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐड करूंगा, लाइक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐड करूंगा। जैसे आपने आउटलायर डिटेक्शन पढ़ा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह मैं बना रहा हूँ जिनको मैं वहाँ पे रोड मैप में ऐड करूंगा। आई विल ऑल्सो ऐड मोर टॉपिक्स, एंड जो टॉपिक्स बचे हुए हैं लाइक कंप्यूटर विजन बचा हुआ है, टाइम सीरीज बचा हुआ है, न्यूरल नेटवर्क बचे हुए हैं, मैं उनको भी कंप्लीट कर दूंगा। और जो भी और वीडियोस बचे हुए हैं आई ट्राई टू कंप्लीट देम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो फ्यूचर में अगर आप देख रहे हो तो मोस्ट लाइकली रोड मैप कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक कम्युनिटी स्टार्ट करूँ, मैंने पहले भी बोला है। उस कम्युनिटी में आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ चैनल जहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है इस रोड मैप को फॉलो करके डेटा साइंस सीखने में तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके जैसे और भी लोग होंगे वहाँ पर, और आप साथ में यू नो यू कैन क्रिएट ग्रुप्स और साथ में यू कैन डू ग्रुप स्टडी। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आई विल पुट अप अ लिंक ऑफ माई डिस्कॉर्ड सर्वर, और आप उसको ज्वाइन करो और फिर आप किसी और के साथ बैठ करके ये पूरे रोड मैप को साथ में पढ़ सकते हो। ठीक है, दैट इज द सेकेंड इम्प्रूवमेंट दैट आई एम प्लानिंग टू डू। थर्ड इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ से आएगा। आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मुझे जैसे ही दिखाई देगा कि आप लोगों में से किसी ने भी कोई ऐसा टॉपिक मेंशन किया है जो मैं भूल गया इस रोड मैप में ऐड करना, मैं उसको तुरंत ऐड करूंगा। लेट्स डिसाइड दिस गाइज, लेट्स मेक दिस अ गुड रोड मैप सभी के लिए, सो दैट कोई भी जब इस रोड मैप को पढ़े तो उसको हेल्प हो। सो आप मेरी हेल्प करो इसको बहुत बढ़िया रोड मैप बनाने में। एंड द लास्ट इम्प्रूवमेंट इज कि व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट दिस गिटहब रेपोजिटरी इनटू अ वेब पेज जहाँ पर एक ही जगह पे वो सारे वीडियोस, प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर दूँ। इट वुड टेक थोड़ा टाइम, तो मे बी
15-20 दिन लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, बट अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो काफ़ी दिनों के बाद, तो मोस्ट लाइकली उस वेब पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. बहुत ही लंबा वीडियो आई गेस 2.5 घंटे का हो गया, बट द होल आइडिया वॉज, द होल इंटेंशन वॉज टू क्रिएट अ रोड मैप जो आपको हेल्प कर पाए. आई रियली होप कि मैंने इस वीडियो में वो किया और आप लोगों को सच में हेल्प हो रहा है, ये रोड मैप आपका हेल्प कर पा रहा है. और अगर सच में आपका हेल्प कर पा रहा है रोड मैप, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. थोड़ा कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा आपको ये पूरा रोड मैप, और इसको शेयर करो यार प्लीज़. इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर इट विथ योर पीयर्स, विथ योर फ्रेंड्स, और प्लीज़ लेट देम नो कि ये चैनल एग्जिस्ट करता है जहाँ पे आपको डेटा साइंस का कंटेंट मिल सकता है, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.